वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2020 के प्रीवियस पेपर के और जानेंगे प्रीवियस पेपर में जी के और इसके साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट्स जो हमसे पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे तो स्टार्ट करते वीडियो को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आपको एक पूरा आइडिया लग पाएगा देखिए जो जीके में क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया अब ये टाइम पीरियड था देखिए मैं पूरा हम एक तरह से प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दूंगी ठीक है तो ये जो डिस्कस किया गया था सॉरी जो, जो अभियान आया था वो आया था 2000 से 2001 के बीच तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कमांड कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग होता है तो आप सबको पता होगा जब हम कंट्रोल प्लस वी कमांड देते हैं तो इसका मतलब होता है पेस्टिंग से यानी कि हमने क्लिप बोर्ड में कोई भी कॉपी या कट किए हुए आइटम को आ, या कोई भी टेस्ट जो है उसको हम पेस्ट करने से यानी कि वहां पर वो दूसरी तरफ डेटा कॉपी हो जाए ठीक है तो यहाँ पर पेस्ट होगा तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पत की शपथ कौन दिलाता है तो देखिए जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रपति की पद शपथ लेता है तो अनुच्छेद साठ के अंदर अगर हम सिक्सटी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर उसकी अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फिर है मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है मौलिक अधिकार जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो देखिए मौलिक अधिकार की यहाँ पर हम बात करें तो जो मौलिक अधिकार है वो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध कराए गए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फिर है भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था अगेन वेरी सिंपल है आपने बहुत बार पढ़ा होगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 इसमें चौंसठ सी प्रयोग किया गया था और इस जब ये स्टार्टिंग या इसका जो इनग्रेशन हुआ था वो हुआ था उन्नीस सौ में और यह स्वदेश में सी डेक कंपनी द्वारा वर्ष 1990 में बनाया गया था और इनाग्रेशन हुआ था यानी कि लॉन्च हुआ था उन्नीस में ठीक है तो ये परम क्या हो जाएगा आठ ऑप्शन सी नेक्स्ट uh, है लिनक्स क्या है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इंडस्ट्री सिस्टम है क्या है तो ये जो लिनक्स है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेशन ऑप्शन ए राइट है फिर है भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या था तो वर्तमान सेना प्रमुख जनरल की बात करें तो वो थे मनोज मुकुंद नरवाने ठीक है तो ऑप्शन बी राइट है फिर है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया तो ये समाप्त किया था वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा ए देखिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नहीं है सिर्फ पेपर डिस्कशन होना है आपके साथ तो एक आइडिया आपको लग जाए कि 2020 में कैसा पेपर पूछा गया था ठीक है? किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवॉर्ड कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया तो यहाँ पर देखिए अगर हम मिर्ची कंपोजर की बात करें तो ये थे प्रीतम चक्रवर्ती तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ए फिर है इग्नू के डिजिटल कोश का नाम क्या है ये मैंने अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के देखे होंगे अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो ये मैंने उनको कराया था तो जो डिजिटल कोच है इसका नाम रखा गया था ई ज्ञान तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है फिर है कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है तो आपने महिला क्रिकेटर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा तो देखिए इसमें से जो दीपिका कुमारी हैं वो नहीं है उनका संबंध किससे है तीरंदाजी से है दीपिका कुमारी ने वर्ष 2006 में मेक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया था स्वर्ण पदक तो ये क्या है हमारी तीरंदाजी की है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी फिर है डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है तो भाषा से भी क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा भाषा से आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो जो डोगरी भाषा है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है इसमें बोली जाती है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फिर है अफ्रीकी अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है तो यहाँ पर अफ्रीकी भाषा की बात करें तो देखिए दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में मुख्य रूप से अफ्रीकी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो दोनों ही हैं यहाँ पर तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अफ्रीकी महाद्वीप में देखिए कुछ जगह ऐसे कुछ भाषाएं और हैं जैसे कि बुशमैन, बांटू सामी हामी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ तो देखिए इस कार्यक्रम की बात करें तो ये जो कार्यक्रम था ये हमारा पारित हुआ था दो हजार में जिसको नरेगा के नाम से भी जानते हैं सब लोग और 2006 में इसको संसद में पारित किया गया था और अगर इसका बात करें 2010 में तो नरेगा का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया था मनरेगा ठीक है तो नरेगा ये भी आप याद रखिएगा जो नरेगा परियोजना थी या फिर ये यो हमारा योजना थी उसका नाम बदला था दो हजार दस में और फिर बाद में रखा था मनरेगा तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा वर्ष दो हजार पांच फिर है एनसीआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है तो एनसीआरटी के वर्तमान निदेशक की बात करें तो ऋषिकेश सेनापति है तो ऑप्शन सी राइट है फिर है एडुसेट लॉन्च किया गया फरवरी अः उन्नीस सौ अट्ठानवे में तो बताइए कब हुआ ऑप्शंस आपके सामने हैं देखिए इसकी बात करें एडुसेट की तो ये लॉन्च किया गया था हमारा सितंबर 2004 में ये शिक्षा पर आधारित था इसलिए इसका नाम एडुसेट रखा गया जी सेट थ्री को श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित इसको किया गया था तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था श्री हरिकोटा से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है फिर है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है तो देखें यहाँ पर इंसुलिन की बात करें तो मानव शरीर का जो मुख्य अंग है वो हमारा एक से इंसुलिन पैदा करता है फिर है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषा को मान्यता प्रदान की गई तो यहाँ पे भारतीय यहाँ पर संविधान की बात करें तो यहाँ पर आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाएं हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया अब जो बाईस भाषा कौन है तो देखिए असमिया है बंगाली है बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कोकड़ी मैथिली मलयालम मैत मराठी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत संथाली सिंधी तमिल तेलुगु और उर्दू हैं तो ये है टोटल तो कितनी भाषाएं हैं बाईस टोटल कितनी है मूल रूप से चौदह है और वैसे बाईस है फिर है प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन रहे तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली भारोत्तोलक हैं वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी तो देखिए यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ट्रॉफी से भी जरूर कर लीजिएगा मैंने आपको ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रखे हैं ट्वेंटी टेस्ट सीरीज जरूर देख लीजिएगा ट्वेंटी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है टेबल टेनिस फुटबॉल क्रिकेट या फिर हॉकी तो यहाँ पे देवधर ट्रॉफी की बात करें तो भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में पचास ओवर नॉट आउट लिस्ट में दी जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट के लिए फिर है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है सार्वभौमिक दाता का मतलब वो होता है जो सबको दे सके ठीक है तो कौन है ओ पॉजिटिव जो सबको दे सकता है और जो जबकि ए बी प्लस प्लस जो होता है जिसको बोलते हैं ए बी प्लस वो यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर होता है यानी कि ये ए बी जो होता है वो किसी से भी ले सकता है ए से ले सकता है बी से ले सकता है ए बी से ले ही सकता है और ओ से भी ले सकता है ठीक है फिर है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है अगेन इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है जो प्रकाश वर्ष जो होता है वो एल वाई द्वारा चिन्हित किया जाता है देखिए ऐसे एल वाई द्वारा चिन्हित किया जाता है या लंबाई यानी दूरी की एक मापन इकाई है तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है आ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है तो देखिए आ हिंदू व्यू लाइफ जो पुस्तक थी इसके लेखक थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन और सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे तो ये भी याद रख लीजिए कौन थे तो पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति सी यहाँ पे करेक्ट है फिर है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है गुनार मिंडाल जोनाथन ग्रेनसन मार्क या तो इसमें से जो एशियन ड्रामा है इसके लेखक थे गुनार, मिंडाल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है ठीक है एगमार्क अगेन ये हमारा पढ़ाया हुआ आया था एगमार्क का अर्थ क्या है तो ये आप सबको पता है एगमार एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में जो भी कृषि खाद्य उत्पाद या पदार्थ है उस पर लगाया जाता है ये ये बताता है कि हमारा जो उत्पाद है वो कितना खरा है यानी कि उसमें कितनी शुद्धता है ये, ये बताता है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह ठीक है फिर है भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है तो हमें बताना है तटीय रेखा तो भारत के जो गुजरात राज्य की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है अब ये नोट कर लीजिए इसका टाइम ये सॉरी इसकी कितनी लंबी है तो बारह सौ चौदह दशमलव सात इतने किलोमीटर लंबी है ये समुद्री रेखा कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग तेईस परसेंट भाग आप मान सकते हैं ठीक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट है पांडिचेरी एक कॉलोनी थी कौनसी ब्रिटिश फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली तो यहाँ पर पाण्डिचेरी की बात करें तो एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी तो ऑप्शन बी करेक्ट है नेक्स्ट है सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था तो यहाँ पर चरमपंथी और नरमपंथी की बात करें तो इसका विभाजन हुआ था उन्नीस सौ सात में तो ऑप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट है भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई तो स्थानांतरित की बात करें तो ये स्थानांतरित की गई थी उन्नीस सौ बारह में ठीक है उन्नीस सौ बारह में जो अंग्रेज शासक थे ये उन्होंने ये महसूस किया कि देश का शासन जो है बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो वो बेहतर होगा तो वहाँ पे उन्होंने इसको हस्तांतरित कर दिया था उन्नीस सौ बारह में तो ऑप्शन ए करेक्ट है नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया किसको किस, किस न्यायाधीश को कहा गया था ग्रीन जज ये कहा गया था भारत सर्वोच के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप सिंह को तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी ठीक है अब ये क्यों कहा गया था देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल में बहुत से पर्यावरणीय मुद्दों पर इन्होंने से संबंधित पीएल का निस्तारण किया था इस कारण इन्हें ग्रीन जज कहा जाता है यानी पर्यावरण से संबंधित इन्होंने कार्य किया था फिर है भारतीय संविधान की कब अपने को कब अपनाया गया था वो इम्पोर्टेंट है मैं बहुत बार करा चुकी हूँ आपको तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर उन्नीस में अपनाया गया था ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है माई कंट्री ऑफ माई लाइफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है बहुत पूछी जाती है माई कंट्री माई लाइफ जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है लाल कृष्ण आडवाणी जी ऑप्शन ए करेक्ट है नेक्स्ट है भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी तो जो कंचन चौधरी हैं वो भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी ये उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2007 में पुलिस निर्देशक बनी थी महानिदेशक बनी थी तो क्या हो जाएगा कंचन चौधरी ऑप्शन ए फिर है भारत में पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है कितने क्षेत्रों में विभाजित है तो भारत में नौ पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड भारतीय डाक का प्रयोग किया जाने वाला छह अंकों का कोड है और इसकी शुरुआत आप लिख लीजिए तो पंद्रह अगस्त उन्नीस को इसकी शुरुआत हुई थी तो कितने अंकों का है ये नौ अंकों का तो ऑप्शन क्या है डी नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की डैनिश डाल्टन ने हेनरी ड्यूरेट ने जेम्स कैलमैन ने या फिर जेम्स मिचनर ने तो रेड क्रॉस की यहाँ पर बात करें तो ये स्थापना आ, की गई थी हेनरी ड्यूरेट के द्वारा अठारह में ठीक है क्या है हेनरी ड्यूरेट ऑप्शन बी अठारह नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ओजोन परत् क्षरण पर्यावरण प्रदूषण कार्बन उत्सर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया था तो ट्वेंटी ट्वेंटी में इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आई थी इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमने कराया भी था मॉन्टेन प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया था ठीक है तो ऑप्शन क्या है ए नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है अगेन ये भी इम्पोर्टेंट है ये हमने बहुत बार करा रखा है सिस्मोलॉजी इंजीनियरिंग का ही एक शाखा है इसके अंतर्गत जो तो पृथ्वी की प्लेटों में हलचल होती है या हम ये बोल सकते हैं भूकंप को नापने का होता है ठीक है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी तो देखिए यहाँ पे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर की बात करें तो वो थी मीरा कुमार इन्होंने पंद्रवी लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिर है टोवा टेक सिंह के लेखक कौन है ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो टोवा टेक सिंह है उसके लेखक थे सादत हसन मिंटो ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा बी फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नियुक्त हुआ था गुमास्ता एक प्रतिनिधि था जो कि बुनकरों पर निगरानी रखने माल इकट्ठा करने तथा कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक बेतन भोगी कर्मचारी था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट है करंट अफेयर से रिलेटेड था ये क्वेश्चन नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी तो देखिए तिथि की बात करें तो ये सबको याद होगी अः ये था 26 मई 2014 को इन्होंने शपथ ली थी और इससे पूर्व कौन थे ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी ने, -ने, ने प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार जो शपथ ली वो भी आप नोट कर लीजिए तीस मई दो ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 मई 2014 पहली बार पूछा है ना दूसरी बार लिख लीजिए 30 मई ठीक है फिर है वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था अब जो 1918 का जो इनका समर्थन था वो गुजरात के खेड़ा जिले से था और ये किसानों की फसल नष्ट हो जाने के कारण उन्होंने किया था जिससे कि वो जो लगान है उसमें इनको छूट मिल जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा किसानों ऑप्शन ए नेक्स्ट है बजट 2019 से 20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है तो यहाँ पर बात करें तो दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है दो तो ऑप्शन सी करेक्ट है फिर है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है अग्नाशय यकृत आमाशय या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखिए यहाँ पर बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की तो वो है हमारी यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है और इसका वजन लिख लीजिए 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच होता है यानी डेढ़ से दो किलोग्राम ठीक है नेक्स्ट है फिरोजशाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है तो यहाँ पर बात करें फिरोजशाह कोटला जो कि दिल्ली में है इसका नाम बदलकर 2019 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है तो क्या किया गया अरुण जेटली स्टेडियम ऑप्शन ए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर जो मकर संक्रांति है वहाँ पर हम इसको पोंगल या फिर संक्रांति के नाम से इसको जानते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट है फिर है ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था तो यहाँ पर एकल खिताब की बात करें तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने ऑप्शन बी करेक्ट है फिर है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर लक्ष्मी इंद्रा अप्सरा गंगोत्री तो पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें तो ये था हमारा अप्सरा चार अगस्त उन्नीस सौ छप्पन को प्रवेश किया था परमाणु युग में इसने ठीक है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन सूर्य का संकुचन सूर्य का प्रकाश तो सौर ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय संलयन तो ऑप्शन ए करेक्ट है फिर है भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है तो ये जो अनिवार्य किया गया है वो करा गया है भारत के तमिलनाडु राज्य में ठीक है ये पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक कर दिया गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है ठीक है पूछा गया था वो है इनमें से पृथ्वी का कौन सा शब्द है तत्व विदेश तत्सम या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपको बताना है पृथ्वी शब्द जो है वो कैसा शब्द है बताइए आंसर बत करिए फिर मैं आपको इसके बारे में और समझाऊंगी देखिए तत्सम दो शब्द से मिलकर बनता है तत्व प्लस सम और जिसका अर्थ होता है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान संस्कृत में ऐसे शब्द जो कि ज्योकृत तो प्रयोग में लिए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे जैसे अग्नि को अग्नि ही बोलते हैं वायु माता प्रकाश सूर्य पृथ्वी आदि ये सब हमारे क्या है तत्सम शब्द है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका तद्भव रूप की अगर बात करें तो ये भी आप लिख सकते हैं इसका तद्भव रूप है पृथ्वी इसको इस तरह से लिखते हैं तद्भव वाह है ये ठीक है पृथ्वी ओके नेक्स्ट है संप्रदान कारक का परसर्ग है अब संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है तो आपको पहले कारक पता होने चाहिए और आंसर करिए क्या होगा इसका, देखिए आपको ये याद होना चाहिए करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यहाँ पे क्या पूछा है संप्रदान तो के लिए हो जाएगा अपदान से करण में भी से है अपदान में भी से है लेकिन अपदान में जो से होता है वो अलग होने के लिए होता है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अलग होने का मतलब है जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा वो उससे अलग हो गया बच्चे स्कूल से निकले यानी कि बच्चे स्कूल से अलग हो गए तो वहां पे अपदान कारक है ठीक है यहाँ पे संप्रदान पूछा है तो इसके लिए आ जाएगा के ऑप्शन डी हमारा राइट है नेक्स्ट है मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल कौन सा है बताइए भविष्य है भूत है अनिश्चित है या फिर वर्तमान है देखिए यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ है यानी कि वो कार्य अभी चल रहा है वो अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है ठीक है स्टार्ट तो हो चुका है और वो चल भी रहा है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है तो यहाँ पे है वर्तमान कारक ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलू किस भाषा का शब्द है पुर्तगाली चीनी अरबी या फिर अंग्रेजी ये पुर्तगाली शब्द बहुत पूछे जाते हैं तो मैं आपको कुछ अभी इंपॉर्टेंट बताऊंगी उनको नोट कर लीजिएगा हो सकता है एग्जाम में उन्हीं में से पूछ लिए जाए देखिए यहाँ पर बात करें आलू किस भाषा का शब्द है तो ये आलू एक पुर्तगाली शब्द है ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है इसमें कुछ और शब्द भी हैं वो भी नोट कर लीजिए जैसे की ऑलपिन अलमारी इस्पात गोदाम पिस्तौल पिस्तौल बहुत बार पूछा जाता है तंबाकू काजू संतरा और मिस्त्री ये सब हमारे पुर्तगाली शब्द हैं और लौट फिर के ये पूछ लिए जाते हैं जिसमें पिस्तौल तो बहुत बार पूछा गया है तो ये सब नोट कर लीजिएगा अपने एग्जाम में और जब भी रिविजन करें इनका रिविजन करें जिससे कि आपको याद हो जाए नेक्स्ट है श व का उच्चारण स्थान है दांत मूर्धा तालु या फिर कंठ बताइए ये भी मैं आपको थ्योरी क्लासेस में समझा चुकी हूँ पूरा देखिए जो हमारा कठोर तालू होता है उसके मध्य का भाग हमारा मूर्धा कहलाता है जब हमारी जो जीव है वो उल्टी हुई नोक पर निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है तब ऐसी स्थिति में मूर्धन्य व्यंजन हमारे निकलते हैं जैसे कि टा ठा ड ढ शाह ये सब क्या है हमारे मूर्धन्य है तो यहाँ पे शाह का जो उच्चारण है वो जीहा मूर्धा को स्पर्श करते हुए निकला है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा मूर्धा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ओके okay. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है अति प्रसन्न होना फूल की तरह खिलना दुर्लभ वस्तु सुगंधित होना बताइए देखिए गूलर का फूल होने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कोई भी दुर्लभ वस्तु है उसका मिल जाना है जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं आज के समय में लक्ष्मण जैसे भाई का मिलना वो भी एक गूलर के फूल के समान है तो यहाँ पे दुर्लभ वस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट देखिए सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा ये, ये, इक या इत, आ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं पहले सुत का आप वो सॉरी विलोम शब्द देखिए क्या होगा या स्त्रीवाचक देखिए यहां पर इसका जो होगा होगा वो होगा क्योंकि का स्त्रीवाचक होता है सोता ठीक है और सोता आ की आवाज आ रही है तो डी ही होगा ठीक है नेक्स्ट है पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा आध्योपात आपाद मस्तक नतमस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए पैरों से लेके सिर तक की बात कर रहे हैं देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आपाद मस्तक आधोपांत और नतमस्तक का भी मीनिंग आप नोट कर लीजिए आधो पान्त का मतलब होता है आदि से लेके अंत तक और नतमस्तक का मतलब होता है किसी के सम्मान में हम सिर झुकाते हैं तो उसे बोलते हैं नतमस्तक ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन बी अपाध मस्तक हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं रस छंद अलंकार बताइए देखिए काव्य में किसी भी भाव या कला के सौंदर्य को जब भी कोई बढ़ाता है तो उसको हम बोलते हैं अलंकार जैसे कि अनुप्रास हो गया या हो गया श्लेष हो गया ये सब कैसे हमारे अनुप्रास अलंग, वो सॉरी शब्द अलंकार अलंकार भी दो तरह के होते हैं तो ये है हमारे शब्द अलंकार दूसरा होता है अर्थालंकार जैसे कि उपमा हो गया रूपक हो गया उत्प्रेक्षा हो गया ये अर्थ अलग निकालते हैं और अनुप्रास यमक और श्लेष में क्या होता है शब्द होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन डी अलंकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद आचार्य राम प्रसाद शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी बताइए देखिए हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य निवन, व्यंग व्यंग निबंधकार की बात करें तो वो है हरिशंकर परसाई तो नोट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए इनके कुछ व्यंग निबंध है उनको भी नोट कर लीजिए हो सकता है इस बार एग्जाम में वो पूछ ले जाएं क्योंकि हर बार एग्जाम में इसी तरह का पैटर्न चलता है जो ऑप्शंस होते हैं प्रीवियस पेपर के वो इस बार के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं तो नोट कर लीजिए बेईमान की परत प्रेमचंद के फटे जूते वैश्व की फिसलन पगटंडियों का जमाना सदाचार का ताबीज विकलांग श्रद्धा का दौर ये सब इनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं ठीक है नेक्स्ट है षणानंद शब्द के सही संधि विच्छेद का विच्छेद पर सही निशान लगाई अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया पिछली बार क्या किया था इसकी संधि पूछ ली थी कि इसमें कौन सी संधि है ठीक है तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको हर क्वेश्चन पर उनके ऑप्शंस पर ध्यान देना है बताइए क्या होगा इसका आंसर देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ष प्लस आनंद यानी कि षठ धन आनंद ठीक है नेक्स्ट है चक्रधर ये क्या है रूण है यौगिक है योग रूण है या फिर विदेशी है देखिए जब हम चक्रधर की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पहले आप इनके मीनिंग समझ लीजिए कि यौगिक ऋण ये क्या होते हैं देखिए वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उनका अर्थ विशेष होता है तो योग रूढ़ कहलाते हैं ये सामान्यता अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं इसलिए इन्हें योग ऋण कहते हैं जैसे कि चक्रधर है चक्रधर का मतलब क्या है चक्र प्लस धन यानी कि जिसने चक्र को धारण किया है अर्थात भगवान विष्णु अलग मीनिंग निकला तो यहाँ पे योग ऋण है यानी कि जो इनमें शब्द है उन शब्द का कोई तीसरा मीनिंग निकलेगा वो हमारा कहलाता है ठीक है है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आई होप तक आपको सारे क्लियर हो रहे हैं वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कुछ कौन यह है या फिर क्या बताइए देखिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यह है कुछ क्योंकि कुछ में हमें अभी पता नहीं है क्या हमने कहा कुछ ठीक है जबकि कौन यह है क्या इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें पता है हमें क्या चीज है ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषण के क्रिया के या फिर काल के बताइए देखिए, राइट आंसर है इसका ए संज्ञा अथवा सर्वनाम के ठीक है नेक्स्ट है स्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक कौन सा है आलंबन उद्दीपन विभाव या फिर अनुभाव देखिए यहाँ पे स्थाई भाव को जगाने और दीप करने वाले कारक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा विवाह ठीक है विवाह दो प्रकार के होते हैं ये भी नोट कर लीजिए आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह ठीक है नेक्स्ट है जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट कुछ आ, पंक्तियां बताई थी तो वहां मैंने ये आपको बताया था ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं जो जो ज्यो है नैरे है नैनाही त्यो त्यो खरी निकरे निकाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है उपमा रूपक अनुप्रास या फिर पुनरुक्ति देखिए आप नोट कर लीजिए जब भी किसी भी लाइन में ज्यो ज्यो त्यो त्यो इस तरह के वर्ड आते हैं तो वहां पे पुनरुक्ति अलंकार होता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है उज्जवल दीपक मूर्ति या इनमें से कोई नहीं बताइए क्या होगा आंसर देखिए राइट आंसर है इसका डी इनमें से कोई नहीं देखिए उज्जवल कैसे लिखा जाता है नोट कर लीजिए बहुत बार पूछा जाता है उज्ज्वल यानी कि दोनों जा आधे होंगे दीपक बड़ी की मात्रा होगी मूर्ति इसमें भी बड़ी की मात्रा होगी ठीक है ये इस तरह लिखे जाते हैं तो कोई भी शब्द यहाँ पर शुद्ध नहीं है नेक्स्ट है निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है अतिक्रमण प्रतिक्षण सुगम दर्शन बताइए किसमें उपसर्ग नहीं लगा है देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए अतिक्रमण अति यहाँ पे उपसर्ग है प्रतिक्षण प्रति है उपसर्ग सुगम सु यहाँ पर है लेकिन दर्शन में नहीं है दर्शन किससे बना है दृश्य तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन नाटक और कहानी नाटक और व्यंग प्रहसन और कहानी बताइए क्या होगा आंसर देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नाटक और प्रहसन ठीक है नेक्स्ट देखिए ये चिन्ह क्या है लाघव चिन्ह है पुनरुक्ति बोध चिन्ह है आदेश चिन्ह है या फिर हंसपद है बताइए ध्यान से देखिए इस चिन्ह को आपने ऐसा चिन्ह ये देखा होगा इसका क्या मतलब होता है देखिए इस तरह के चिन्ह तब लिखे जाते हैं जब जा ऊपर कोई चीज हमने ऐसी लिखी होती है जिसको नीचे भी सेम वैसा ही लिखना है लेकिन हम वो लिखना नहीं चाहते फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा मैंने लिखा बार अब मुझे नीचे भी बार लिखना है तो मैंने ऐसे कर दिया फिर मैंने लिखा हर फिर मेरे को नीचे भी यहाँ पे हर लिखना है तो मैंने ऐसे कर दिया तो यानी कि कोई भी शब्द जो हमें द्वारा लिखना है लेकिन सेम वही लिखना है लेकिन वो ना लिख के जब हम ये चिन्ह लगा देते हैं तो इस चिन्ह को बोला जाता है बताइए क्या होगा ये चिन्ह कहलाता है पुनरुक्ति बोध चिन्ह ठीक है तो ऑप्शन बी राइट है नेक्स्ट है प्रकृति के सुकुमार कभी कहे जाते हैं जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट ये इस तरह के रचना और इनके नाम बताए थे कि इनको क्या क्या कहा जाता है तो वहां पे ये भी कराया था तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुमित्रा नंदन पंत जयशंकर प्रसाद या फिर कबीर बताइए क्या होगा देखिए छायावादी युग के महान कवि थे सुमित्रा पंत उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है पंत जी ने प्रकृति के माध्यम से प्रत्येक भावों को बड़ी ही सुंदर तरीके से शब्दों के साथ उकेरा था इसलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रकृति क... के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें थी प्रकृति को लेके इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे इसलिए इनका नाम ये प्रकृति के सुकुमार कवि रखा गया तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है चूहा स्वान कबूतर या फिर सिंह देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी स्वाधीनता स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अली शब्द के दो अर्थ हैं बताइए क्या भौरा सखी घाट घर जल पानी पिता भाई बताइए क्या होगा देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भौरा और सखी अली को भौरा भी कहा जाता है और अली को सखी भी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है वह बहुत बोलती या फिर है क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताए वो शब्द आपको बताना है क्या होगा तो पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें क्रिया क्या है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है बताइए क्या होगा आंसर देखिए यहाँ पे क्रिया है बोलना और बोलना बहुत क्या है यानी कि जो बोलती है उसकी विशेषता है बहुत क्या करती है वो बहुत बोलती है तो यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है उज्जवल देखिए अगर आपने आ, 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 आपके टाइम भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कैरी लगती है तो उसको प्लीज छोड़ दीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पेपर में ही उसका आंसर होता है ये आ गया उज्जवल अगर किसी को अभी ऊपर शुद्ध में पूछा था नहीं आता था तो वो यहाँ देख भी इसको टिक कर सकता था सही तरीके से ठीक है उज्जवल पंक्ति में संधि है दीर्घ योग व्यंजन या फिर विसर्ग बताइए देखिए उज्जवल में बात करें तो यहाँ पर है हमारे व्यंजन संधि इनके कुछ और शब्द हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत नोट कर लीजिए जैसे कि सज्जन विपजाल सज्जाति ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है छायावादी युग के प्रवर्तक है अभी अभी मैंने आपको समझाया था जयशंकर प्रसाद हैं, श्रीधर पाठक हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या फिर रामचंद्र राम शुक्ल हैं। देखिए छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद इनकी प्र... प्रथम रचना थी झरना जो कि 1918 में आई थी तभी से कहा जाता है कि छायावादी युग का प्रारंभ हो गया था ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा जयशंकर प्रसाद राइट आंसर है नेक्स्ट है पावक शब्द उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का गुण स्वर संधि का वृद्धि स्वर संधि का या फिर अयाधि स्वर संधि का देखिए पावक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अयाधि स्वर संधि इसके कुछ और भी मीनिंग है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि नयन ने धन अयन नई प्लस अख नायक बनता है पौ धन अन पवन बनता है पौ धन अख पावक बनता है ठीक है तो नयन हो गया नायक हो गया पवन हो गया पावक हो गया ये एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछ ले जाते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा अयादि संधि राइट आंसर है नेक्स्ट है सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं एक दो तीन या फिर चार बताइए क्या होगा देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि है दो अब वो दो कौन कौन से हैं ये भी नोट कर लीजिए दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य कौन सा दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य ठीक है नेक्स्ट है प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन आरक्षण अंकुचन, आकुंचन या फिर सदर्शन देखिए इनका मीनिंग भी देख लीजिए प्रसारण का अर्थ होता है फैलाना तो यानी कि हमें ऐसा शब्द देखना है जिसका अर्थ हो सिकुड़ना तो आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना तो ऑप्शन डी सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में गाँव में कस्बों में या फिर विद्यालयों में बताइए क्या होगा देखिए लोक संस्कृति का जन्म हुआ था गांव में तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है नेक्स्ट है कृपाण शब्द है आगत देशज तद्भव या फिर तत्सम देखिए कृपाण जो है वो तत्सम शब्द है इसका तद्भव रूप कटार होता है तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द ठीक है नेक्स्ट है बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है चक्कर में पड़ना अकल पर पत्थर पड़ना धोखा खाना या फिर उल्लू बनाना देखिए बुद्धि भ्रमित होने का मतलब होता है चक्कर में पड़ना जैसे मेरे मित्र ने एक ऐसे प्रश्न पूछा कि मैं चक्कर में पड़ गया परंतु उसका जवाब मुझे सूझा ही नहीं ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए चक्कर में पड़ना पढ़ना ठीक है अब देखिए यहाँ पे मुहावरे हैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सिर्फ से बोझ उतारना भार टालना बक्सा रखना जमीन पर कुछ पटकना या बात पक्की होना बताइए देखिए सिर से बोझ उतारने का मतलब होता है अपने से भार टालना यानी कि जो भी आप पर भार था वो आपने टाल दिया जैसे कि आ, मेरे ऊपर कर्ज का भार था उसने माफ कर दिया तो मेरे ऊपर से सारा बोझ उतर गया तो ऑप्शन ए राइट है नेक्स्ट है निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है वाचनालय समतल विद्यालय या फिर पशु तो देखें यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी वो राइट आंसर हो जाएगा पशु ठीक है नेक्स्ट है महोत्सव में संधि है गुड़ संधि विसर्ग संधि अयादि संधि या फिर व्यंजन संधि देखिए महोत्सव की बात करें तो यहां पर गुड़ संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, e, ई e, या उ, उ तथा री हो तो वह क्रमशः ए ओ, अर हो जाता है। तो ये नोट कर लीजिए गुणसंधि में जैसे कि महोत्सव का होता है महा धन उत्सव यहाँ आ यानी कि बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बने हैं, तो ओ हो गया है ठीक है तो यहाँ पे गुणसंधि है नेक्स्ट है अंबर का बिलोंग क्या है अवनि आकाश अभिन्न या फिर प्रक्षिप्त देखिए अंबर की बात करें तो इसका व्लोम हो जाएगा अवनी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है लेकिन यहाँ पे अवनी गलत तरीके से लिखा हुआ है अवनी हमारा इस तरीके से लिखा होता है ठीक है नेक्स्ट है मुझे कैसा शब्द है मध्यम पुरुष अन्य पुरुष उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष देखिए कभी भी कोई भी लेखक या वक्ता अपने लिए कोई भी शब्द प्रयुक्त करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं मुझे मैं हम सारे क्या है ये उत्तम पुरुष है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए बहिर्मुखी में समास है अव्यय भाव समास द्विंद समास तत्पुरुष समास कर्म समास ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा बहिर्मुखी में जो है वो अव्यय भाव समास है इसका अगर हम इसका विग्रह करें तो ये होगा बाहरी मुख वाला या सबसे घुलने मिलने वाला ठीक है जिसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है वो अव्यय भाव समास हमारे कहलाते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की साहित्यिक भाषा है क्या ब्रजभाषा अवधि भोजपुरी या फिर मैथिली देखिए राइट आंसर होगा ए जो है, वो ब्रजभाषा के कवि हैं और ये भक्ति कालीन कृष्ण काव्य के भी कवि के माने जाते हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं वो नोट कर लीजिए बहुत पूछी जाती हैं जैसे कि सूरसावली साहित्य लहरी ये सब ब्रजभाषा में लिखी हुई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं नेक्स्ट है, है महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के बृहत और व्यापक चित्र का मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण या फिर मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का चित्रण बताइए देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्र का व्यापक चित्रण का यहाँ पे वर्णन किया जाता है महाकाव्य के अंदर तो ऑप्शन ए राइट आंसर है नेक्स्ट है काली मिर्च में कौन सा समास है कर्मधार तत्पुरुष द्विंद या फिर बहुब्रीही देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कर्मधार अगर हम इसका समास विक्रय करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा काली है जो मिर्च ठीक है तो यहाँ पर जो समास है वो है हमारा समास ऑप्शन ए राइट है नेक्स्ट है उर्वशी किसकी काव्य कृति है की, सुमित्रा नंदन पंत की रामधारी सिंह दिनकर की या फिर कुंवन नारायण की देखिए उर्वशी बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाह है उर्वशी वीर रस का प्रधान रचना है तो ये भी पूछा जा सकता है इस बार के उर्वशी में कौन सा रस है तो उसमें वीर रस की प्रधानता है ठीक है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है नेक्स्ट है सन्यासी का प्रयावाची क्या होगा ढोंगी बाबा वृद्धा या फिर डंडी देखिए सन्यासी की पर्यावर शब्द की बात की गई है आंसर करिए जल्दी जल्दी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डंडी ठीक है अगर इसके और भी बात करें पर्यावरची शब्द की तो वैरागी विरत परिव्राजक ये शब्द इसके हैं नेक्स्ट है अद्भुत रत्स का स्थायी भाव क्या है जुगुप्सा विस्मय भय या फिर उत्साह देखिए अद्भुत रथ का स्थायी भाव है विस्मय ठीक है विस्मय हो गया अब स्थायी भाव की टोटल आप संख्या नोट कर लीजिए ये भी पूछी जा सकती है टोटल नौ भाव होते हैं हमारे जैसे कि रति हो गया ह्रास हो गया शोक हो गया क्रोध हो गया उत्साह भय जुगुप्सा विस्मय निर्वेद ठीक है जिसमें अद्भुत रस का स्थाई भाव मैंने आपको बता ही दिया है विस्मय है ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्तिकाल का नहीं है ईश्वरदास नाभादास मतीराम या फिर रहीम बताइए देखिए सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भक्तिकाल का नहीं है मतीराम जबकि ईश्वरदास नाभादास रहीम ये सभी हमारे भक्ति भक्तिकाल के हैं और जो यहाँ पर हम बात करें मतीराम की तो ये भी नोट कर लीजिए ये हमारे रीतिकालीन कवि हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हमें चयन करना है मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा बच्चों को काटकर फल खिला दो वह सुंदर दृश्य है वह अत्यंत बुद्धिमान और बलशाली है देखिए यहाँ पर बात करें अशुद्ध की तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों को काट कर फल खिला दो अब यहाँ पे देखिए मीनिंग गलत निकल रहा है पहले बच्चों को काटना है या फल को काटना है ये भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा बच्चों को काट कर फिर उन्हें फल खिलाने हैं ये तो गलत हो गया ना मीनिंग यहाँ पर आना चाहिए बच्चों को फल काट कर खिला दो तो यहाँ पे काटना क्या हो जाएगा फल और यहाँ से मीनिंग निकल रहा है बच्चों को काट दो ठीक है तो ये गलत है अशुद्ध है ये तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है किस विधा की रचना है नाटक कहानी उपन्यास या फिर एकांकी देखिए यहां पे बात करें कारवां की तो ये भुवनेश्वर की एकांकी विधा की रचना है और ये हमारी स्टार्ट हुई थी या फिर अब इन्हें बात करें प्रकाशित कब हुई थी तो ये हुई थी 1935 में तो ये एकांकी एक एक रचना है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य बताना है उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है उसे गर्व है कि वह है उच्च कुल में पैदा हुआ दवा लो और बुखार कम हो जाएगा यह बात सभी को स्वीकार्य है बताइए देखिए संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है अब आप देखिए दो वाक्य कौन से हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है और मीनिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी दवा लो और बुखार कम हो जाए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे और जो है ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है दवा लो अलग है और बुखार कम हो जाएगा अलग वाक्य है और लगा दिया तो दोनों आपस में जुड़ गए नेक्स्ट है कंजूसी से धन व्यय करने वाला मसरण मित्वय कृपण देखिए कंजूसी से धन व्यय करता है उसको बोलते हैं मित्वय तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेष्य क्रिया विशेषण प्रविशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण बताइए क्या होगा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी सॉरी प्रविशेषण ये विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं जबकि अदर वर्ड्स पर जाएं जैसे कि क्रिया विशेषण ये क्रिया की विशेषता बताते हैं ये सर्वनाम में सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेष्य की बात करें तो देखिए जबकि विशेषण जिसकी विशेषता बताए विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं जैसे कि रोहित बहुत तेज दौड़ता है रोहित की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ठीक तो है तो ये विशेष्य है तो यहाँ पर ऑप्शन सी विशेषणों की विशेषता बताने वाले को कहते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की कि 2020 में रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे तो देखिए फर्स्ट uh, है निम्न में से अलग है पनीर मक्खन दूध या फिर दही बताइए डायरेक्ट मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता दूं क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं तो देखिए यहाँ पर दूध को छोड़ के बाकी सब दूध से बनी चीजें हैं तो अलग क्या है दूध फिर है जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है तो देखिए यहाँ पर बात करें तो तोता क्या है हवा में उड़ता है तो उसी प्रकार मगजम्छ क्या होगा जमीन पर रेंगेगा तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिर है पाखंड ईमानदारी तो साहित्य दर्शन कभी कभी प्राय हेकड़ वध सहानुभूति तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो पाखंड का विपरीतार्थक ईमानदारी हो गया तो वहीं कभी कभी का हो जाएगा प्राय ये हमारा सही होगा फिर है हिटलर जर्मनी यानी कि हिटलर कहाँ का रहने वाला था जर्मनी का रहने वाला था वहां का तानाशाह था अब शेक्सपियर इंग्लैंड मुसोलिनी इटली तुलसीदास भारत चिनुआ अखे नाइजीरिया तो यहाँ पर बात करें तो मुसोलिनी जो था वो इटली का तानाशाह था तो यहाँ पर ऑप्शन सी बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट देखिए यदि रेल को बस कहा जाता है अगेन ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं आप बस ये देख लीजिए खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सबको पता है खेत जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पती है ट्रैक्टर की और ट्रैक्टर को यहाँ पे क्या कहा गया है कार कहा गया है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा कार सी फिर है सोहन उत्तर दिशा में दस किलोमीटर चलता है तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर जगह है ठीक है सोहन क्या है उत्तर दिशा में दस किलोमीटर चल रहा है तो देखिए जी है यह यहाँ पर है ठीक है दस किलोमीटर वो क्या है सोहन चला उत्तर दिशा में अब वह वापस मुड़कर दक्षिण की ओर छह किलोमीटर चला तो यहीं से वो यहाँ पर बगल में कर लेते हैं यहाँ पर वो क्या आ गया छह किलोमीटर आ गया ठीक है फिर है फिर वह पूर्व की ओर तीन किलोमीटर चला अब यहाँ से पूर्व चलेगा तो क्या जाएगा तीन किलोमीटर बताइए प्रारंभिक दूरी कितनी है तो हमें ये दूरी बतानी है ठीक है तो ये दूरी हम निकालेंगे किस तरह से आएगी तो देखिए ये जो दूरी होगी वो हमारी यहाँ पर प्रारंभिक दूरी कितनी है ठीक है तो देखिए ऑप्शन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ए ये मान के चलिए ए हो गया हमारा ये हो गया बी ये वाला पॉइंट था सी ये हो गया डी तो ए डी इक्वल टू हमारा सॉरी ए सी पहले ले लीजिए टेन था हमारा ठीक ए सी हम निकालेंगे तो कैसे होगा टेन माइनस और ये सिक्स तो कितना निकल कर आ गया फोर अब सी डी निकालिए सी डी हमारा कितना हुआ सी से डी ये हमारा कितना हो गया तीन किलोमीटर अब पाइथागोरस प्रमेय हम अगर यहां पर लगाएं तो देखिए आपने वो सॉल्व कर लिया होगा पाइथागोरस प्रमेय में, में देखिए ए डी स्क्वायर ए सी प्लस सी डी स्क्वायर ठीक है अब देखिए ए डी जो है हमारा बाहर है अब ए सी स्क्वायर कितना हुआ ए सी हमारा कितना निकल कर आया था अभी चार तो इसका स्क्वायर प्लस सी डी हमारी कितनी निकल कर आई थी तीन तो इसका तो चार चौक कितना होता है सोलह प्लस तीन तीन थी नौ सोलह और प्लस नौ तो ये कितना हो गया हमारा पच्चीस अब पच्चीस का जी हमारा क्या था सब स्क्वायर में है तो अगर हम पच्चीस का निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा पांच तो यहाँ है नीचे दिए गए शब्दों को एक अटपूर्ण क्रम में लिखिए जिला गांव राज्य तहसील राष्ट्र पहले सबसे छोटा ले लीजिए ठीक है सही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले क्या आएगा गांव ठीक है यानी कि दो गांव के बाद क्या आता है गांव के बाद आती है उसकी तहसील तो चार तहसील के बाद आता है वो पूरा जिला जिले के बाद आता है राज्य और राज्य के बाद आता है राष्ट्र तो ये हो जाएगा दो चार एक तीन पांच ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट है भार तथा किलोग्राम अब भार तथा किलोग्राम का यहाँ पर देखिए तो भार का मात्रक क्या होता है किलोग्राम तो मील का लंबाई होगा दूरी का किलोमीटर पाउंड का माप और आयतन का द्रव बताइए तो यहाँ पर जो हमें सही लग रहा है वो है दूरी का किलोमीटर तो ऑप्शन बी करेक्ट है फिर है यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के पच्चीस दिन बाद कौन सा दिन होगा अब देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए पच्चीस यानी कि विषम दिन है तो देखिए एक हफ्ते में कितने होते हैं सात दिन तो इसे सात से करेंगे तो हमारे शेष कितने निकल कर आएंगे शेष हमारे विषम दिन कितने बचेंगे चार तो अब यहाँ पर ऐसे निकाल लीजिए पच्चीस को बाहर रखिए सात तीन क्योंकि सात चार आया तो तीन बचे सात को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस प्लस चार कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आ जाएगा जो आगामी दिन है अगर बता रहा है रविवार का है पच्चीस तो रविवार से चार दिन आप आगे बढ़ा लीजिए तो पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और फिर क्या हो गया रविवार सौम मंग बुद्ध गुरु ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा? तो आ जाएगा गुरुवार तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है ठीक है नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा हम एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ठीक है नहीं तो आप टेलीग्राम पर बोल दीजिएगा मैं आपको वहां पर समझा दूंगे अब ये देखिए फल सब्जी सेब देखिए फल और सब्जी और सेब तो हम बात करें तो ये हमारा सही बैठेगा क्योंकि देखिए फल ये रहे फल के अंदर क्या आ जाएगा सेव लेकिन सब्जी बिल्कुल अलग है तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा फिर है काने खाको खा को एक साइकिल बीस परसेंट मुनाफे में बेची और खाने गा को पच्चीस परसेंट मुनाफे में बेची यदि गा ने डेढ़ सौ सॉरी हजार का भुगतान किया तो का भुगतान किया होगा बताइए देखिए माना उसका प्राइस कितना होगा हंड्रेड कितने मुनाफे में बेची 20, तो ये कितना हो गया है हमारा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बटे पांच निकल कर आएगा ठीक है छ बटे पांच एक्स अब यहाँ पर गाने साइकिल कितने में करी पच्चीस परसेंट और इन्होंने मुनाफा जोड़ दिया तो पहले था छबे पांच एक्स इक्वल टू हंड्रेड प्लस पच्चीस बटे सौ अब इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा छ बटे पांच एक्स इक्वल टू पांच बटे चार ठीक है अब देखिए पांच बटे चार हो गया तो यहाँ पर पांच से पांच कट गया ये कितना बचा छ को काटेंगे तो तीन आ गया दो से और दो को काटेंगे तो ये दो आ गए चार को काटेंगे दो से तो दो आ जाएगा तो तीन बटे दो हो गया हमारा अब प्रश्न अनुसार देखिए तीन बटे दो अब यह आंसर हमारा निकल कर आया तीन बटे दो एक्स इक्वल टू कितना है पंद्रह सौ रुपये भुगतान किया तो देखिए अब इनको एक्स को बाहर लाइए और यहाँ पर पंद्रह सौ इधर रखिए तो देखिए ये क्या हो गया पंद्रह सौ क्योंकि इनका प्लेस भी अब चेंज हो गया तो दो बटे तीन हो गया इससे इसको काट दीजिए तीन पंजे पंद्रह पाँच सौ और ये कितना हो जाएगा हज़ार दो से मल्टीप्लाई करने तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्लियर है सबको नेक्स्ट आते हैं अब ये देखिए यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिरने पर बारहवें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी तो देखिए कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बात करें बारहवें व्यक्ति आते हैं तो यानी कि किसी व्यक्ति का दांस सिरे से स्थान कितना होगा बारह प्लस बारह कर लेते हैं और माइनस वन करना पड़ेगा क्योंकि ये उसका प्लेस है तो ये कितना आ जाएगा हमारा चौबीस ठीक है और एक और प्लेस करना है क्योंकि वहां से भी बारह आ रहा है यहां से भी बारह आ रहा है ठीक है तो चौबीस में से अगेन हम माइनस करेंगे प्लस नहीं माइनस वन करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा तेईस परसेंट है तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है यदि p का अर्थ प्लस q का अर्थ माइनस r का अर्थ डिवाइड और s का अर्थ मल्टीप्लाई है तो ठीक है सॉल्व करते हैं सोलह फिर यहां पर s है s का मतलब होता है मल्टीप्लाई सिक्सटी r का मतलब होता है डिवाइड टेन q का मतलब होता है माइनस सिक्स p का मतलब होता है प्लस सेवन अब देखें यहां पर ठीक है अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करिए है हमारा सिक्सटी सिक्सटी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर ऐसा करिए डिवाइड करिए सिक्सटी को यहाँ पर हम टेन से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा सिक्स तो देखिए सिक्सटीन मल्टीप्लाई सिक्स फिर बचा माइनस सिक्स प्लस सेवन अब यहाँ पे सिक्स में से सिक्स को अगर हमने क्या किया माइनस किया या फिर ऐसा करिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए नाइन सिक्सटीन को सिक्स से तो ये आ जाएगा नाइन्टी सिक्स ठीक है अब माइनस सिक्स हो गया प्लस सेवन अब यहाँ पर आ, हम नाइन्टी uh, सिक्स में प्लस करेंगे पहले सेवन का तो ये कितना आ जाएगा एक सौ तीन उसमें छः माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना निकल कर आ जाएगा ये हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा नाइन्टी सेवन ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है ओके okay? नेक्स्ट देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को ये लिखा जाता है तो कूट भाषा में डॉक्टर को क्या के लिखा जाएगा देखिए एम एन डायरेक्ट आ गया तो पहले एम से एन करिए तो यहाँ पे डी का हो जाएगा हमारा ई e. फिर ए से सी आया यानी कि एक आपने यहाँ पे छोड़ा है तो ए बी सी तो यहाँ पर है ओ क्यू क्यू आ गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया ऑप्शन ए करेक्ट है आगे जाने की चुनौती नहीं है ठीक है सही है नेक्स्ट है देखिए निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित देखिए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत ही सिंपल था ये ठीक है अब देखिए राम ने एक बिंदु एक्स से सीधे बिंदु वाई तक पूर्व दिशा में पचास किलोमीटर की दूरी तय की तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कहां से स्टार्ट की ये बिंदु है पचास मीटर की दूरी ये हो गई वह पुनः दाइनी ओर मुड़ गया और पचास मीटर चला अब अगेन पचास मीटर हो गया ठीक है वह पुनः दाइनी और मुड़ाओ साठ मीटर चला अब पुनः इसका दाइनी ओर कौन सा हो गया ये ये हो गया इसका साठ यह पुनः दाइनी और मुड़ाओ पचास मीटर चला पचास ये हो गया ठीक है वह प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है सिंपल है ये हमारा डिफरेंस कितना होगा ये साठ है ऊपर का पचास था ये तो ये दस हो गया तो ये दस मीटर की दूरी पर है सिंपल ऑप्शन ए करेक्ट है सिंपल था ना नेक्स्ट है लखनऊ से दिल्ली के लिए हर पांच घंटे में एक बस छूटती है सूचना केंद्र से मुझे दस पैतालीस ए एम पर ज्ञात हुआ कि वह पच्चीस मिनट पहले छूटी हुई है तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा ठीक है सूचना में कब प्राप्त हुई दस पर ठीक है और ये भी कहा गया कि 25 मिनट पहले छूटी है तो पहले तो 10 45 में से आप 25 माइनस कर दीजिए ठीक है तो यानी कि कब छूटी है वो 10 20 पर अब वो बोल रहे हैं कि हर पांच घंटे में बस छूटती है अब इसमें क्या करेंगे आप पांच क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो देखिए दस ग्यारह बारह एक दो तीन ये हो गए पांच घंटे अब यहाँ पे मिनट को भी जोड़ना है तो तीन बज के बीस मिनट हो गई सीधा सा हिसाब है तो दूसरी बस जो आएगी तीन बज के बीस मिनट पीएम पर आएगी क्योंकि ये ए एम था तो अब क्या आएगी पीएम पे तीन पचास पे सॉरी तीन बीस पे ऑप्शन बी करेक्ट है नेक्स्ट देखिए वर्ग शिक्षित को बताता है व्रत बेरोजगार युवाओं को बता रहा है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है आप यहाँ पे लिख लीजिए वर्ग जो है शिक्षित को स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो और जो व्रत है हमारा वो बेरोजगार को बता रहा है चलिए सॉल्व करते हैं गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं शिक्षित बेरोजगार को गांव में जो शिक्षित बेरोजगार है वो कितने हैं यानी कि वहां पर हमारा क्या आना चाहिए वर्ग भी आना चाहिए और व्रत भी आना चाहिए तो वर्ग और व्रत हमारा किस में आ रहा है ऑप्शन क्या हो जाएगा फाइव ठीक है फिर है गांव के बाहर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को चार से दर्श दर्शाए एक मिनट गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाए शिक्षित जो है वो बेरोजगार हैं गांव के बाहर ओके okay. तो देखें यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये रहा गांव से बाहर शिक्षित बेरोजगार ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ठीक है नेक्स्ट है तीन तीनों कथनों में के आगे दो निष्कर्ष वन और सेकंड दिए गए हैं निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सकते है सभी गार्बेज जंक हैं, कोई जंक मेल नहीं है सभी जंक स्पैम है निष्कर्ष है सभी गार्बेज स्पैम है कुछ स्पैम मेल नहीं है चलिए सॉल्व करते हैं देखिए सभी गार्बेज क्या है जंक है ये हमारा जंक आ गया बाहर का और कोई जंक मेल नहीं है तो कोई भी जंक जो है वो मेल नहीं है अब ये बोल रहे हैं सभी गार्बेज स्पैम है सभी गार्बेज क्या है स्पैम है ये क्या हो गया हमारा गार्बेज सेकंड हो गया हमारा जंक ये हो गया हमारा मेल और ये क्या हो गया बाहर हमारा स्पैम कुछ स्पैम मेल नहीं है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला वाला निष्कर्ष तो हमारा मिल रहा है केवल फर्स्ट निष्कर्ष का अनुष्कर अनुकरण हो रहा है सेकंड का नहीं क्योंकि सेकंड में वो बोल रहे कुछ स्पर्म मेल नहीं है हम ये नहीं कह सकते क्योंकि इसमें इस तरह का कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिया हुआ है ठीक है तो ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष वन हमारा अनुसरण करता है और सही हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु विकल्पों को अनुपस्थित किया गया है अच्छा हमें यहाँ पर एक मिसिंग है हमें वो बताना है डी ई एफ जी एच देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है ई एफ जी एच यानी कि फोर्थ आई जे के एल फोर्थ यानी कि प्लस चार है ये प्लस चार है तो एल के बाद प्लस चार देखिए एल एम एन ओ पी पी आना चाहिए तो पी हमारा एक ही है फिर भी और मैच कर लेते हैं जी एच आई जे के यानी कि नीचे से भी प्लस फाइव है सॉरी और के एल एम एन ओ अगेन ये से ओ प्लस फोर है पी क्यू आर एस पी एस होना चाहिए ऑप्शन ए करेक्ट है ठीक है सिंपल था नेक्स्ट देखिए निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए सत्ताईस इक्यासी चौवन इकतीस तिरानवे बताइए क्या ये प्लस हो रहा है एक मिनट सात आठ नौ 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 नहीं ये नहीं है सही देखिए सत्ताईस के टेबल में इक्यासी आता है क्या यस थ्री टाइम्स ये हो गया थ्री टाइम और चौवन आता है टू टाइम इकतीस के टेबल में ये आता है थ्री टाइम और इकतीस के टेबल में टू टाइम कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे बासठ ठीक है यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है सत्ताईस का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो आएगा इक्यासी फिर सत्ताईस का मल्टीप्लाई करेंगे दो से तो आएगा यहाँ पर हमारा चौवन फिर है इकतीस का मल्टीप्लाई करेंगे तीन से तो आएगा हमारा नाइन्टी थ्री और इकतीस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका बासठ ऑप्शन भी करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट है विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनोद बाई ओर से पाँचवीं जबकि रीना दाई ओर से अठारवे स्थान पर है यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाई ओर से सातवें स्थान पर आ जाता है पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं ओके तो बहुत सिंपल है इसको करने का तरीका देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं बाई से पांचवी है ठीक है जबकि रीना दाएं से अठ अठारवे स्थान पर है वे अपना स्थान बदल लेते हैं यानी कि ये पांच है यहाँ से और ये अठारवा स्थान है ये इधर चली जाती है और ये इधर चली जाती है विनोद ओर से सातवें स्थान पर आ जाता है पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं अब विनोद यहाँ पर सातवें स्थान पर आ रहा है तो देखिए स्थान परिवर्तन के बाद विनोद बाएं से सातवां स्थान तथा दाएं से अठारवा हो जाता है तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं सात प्लस अठारह कितने होते हैं पच्चीस और एक उसका खुद का स्थान होगा पच्चीस में से फिर माइनस वन करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा चौबीस ऑप्शन सी पे हमारा करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से ग्यारहवें अक्षर के बाई ओर का आठवां अब देखिए बाई और बाई मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी आपको मेरी नहीं तो पुरानी वीडियोस देखनी होंगी मैंने आपको बताया था जहां बाई बाई दो बार ऐसे दिए हों वर्ड तो वहां पर क्या करते हैं जैसे कि एक बार ग्यारह दिया हुआ एक बार आठ दिया हुआ है तो वहां पर बाएं से ग्यारहवा अक्षर आ, कौन सा होता है आप खुद ही सॉल्व करके देखिए या फिर आप माइनस भी कर सकते हैं ग्यारह में से आठ माइनस करेंगे कितना बचा आपके पास तीन और तीसरे नंबर पे क्या आता है ए बी सी तीसरे नंबर पे सी आता है ऑप्शन सी ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट है अनुपस्थित संख्या का चेन कीजिए जब भी बाया और बाया दोनों एक दो साथ बाया बाया हो तो आपस में जो भी नंबर है उनको माइनस करा करिए ठीक है दाया दाया भी माइनस होगा बाया दाया है तो प्लस होगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे दो से दस कैसे आया दो पंजे दस हो सकता है दस से पैतालीस चार नहीं ये नहीं होगा देखिए ये ऐसे चलेगा दो से तीन कितना होता है छ प्लस कर दिया चार फिर है दस इंटू चार कितना हो गया चालीस प्लस कर दिया पांच फिर हो गया पैतालीस अब पैतालीस से फिर किया पांच का और प्लस कर दिया छः ये आ गया हमारा दो इकतीस फिर दो इकतीस का मल्टीप्लाई किया छह से प्लस कर दिया सात ये आ गया तेरह तिरानवे अब देखिए छह और सात है तो वही तेरा तिरानवे जो है एक मिनट ठीक है तेरह तिरानवे आया था तो वही तेरह तिरानवे जो है उसमें हम लास्ट हमने क्या किया था मल्टीप्लाई किया था छः का और प्लस किया था सात तो वही अब हम सात का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे आठ ठीक है तो कितना आ जाएगा नाइन सेवन फाइव नाइन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा हम ये पेपर बस आपके साथ डिस्कस करें इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है साढ़े पाँच से छः बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं अब आप देखिए जब भी आप सुई देखेंगे साढ़े पांच बजे के बीच तो जो सुई है एक मिनट में छः डिग्री घूमती है तो घंटे की सुई एक मिनट में एक बटे दो डिग्री घूमेगी ठीक है तो तीस मिनट में घंटे की सुई द्वारा कब घूमेगी तीस का तीस बटे सॉरी तीस मल्टीप्लाई एक बटे दो तो आप इसको सॉल्व करेंगे तीस यानी एक डिग्री पे घूम रही है एक बटे दो डिग्री पर एक मिनट में तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पंद्रह पंद्रह से एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पंद्रह तो ये पंद्रह डिग्री हो जाएगा ठीक है और साढ़े पाँच बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच पंद्रह डिग्री है तो जो समकोण बनाते हैं तो समकोण आपको पता है कैसे बनता है नब्बे का बनता है तो उस नब्बे में से जब हम इस पंद्रह को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा पिछहत्तर तो पिछहत्तर डिग्री पे बनाएगी अब यहाँ पर पिछहत्तर को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जो दोनों सुई एक दूसरे के सापेक्ष प्रति मिनट कौन बनाएंगी ठीक है तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूं साढ़े पांच से छह बजे के बीच जो वो घूमेगी वो घूमेगी पांच बजकर तिरानवे मिनट सात बजे ग्यारह ठीक है ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने आपको बता दिया था कितने पिछहत्तर डिग्री तक तो आप वहां पर देखिए दोनों सुई एक दूसरे के सापेक्ष कितना मिनट पर घूम रही थी तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दो डिग्री ठीक है प्रति मिनट पर ये घूमेगी अब पिछहतर के कौन बनाने के लिए उसको कितना समय लगेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं ये उसका समय था पूरा तो पिछहत्तर बटे ग्यारह डिवाइडेड बाय टू ये हो गया अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ग्यारह नीचे चला जाएगा और पिछहत्तर हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा ठीक है तो ये ग्यारह हो गया अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा डेढ़ सौ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेढ़ सौ बटे ग्यारह ठीक है अब इतने मिनट लगेंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर इनको अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये आपका क्या निकल कर आएगा तेरह साठ बटे ग्यारह अब देखिए यहाँ पर साढ़े पांच से छह के बीच में इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका यही टाइम निकल कर आ जाएगा ठीक है पांच बजकर फोर्टी थ्री सात बटे ग्यारह ठीक है ये होगा इसका आंसर सांकेतिक भाषा में प्रयागराज अट्ठाइस लिखा जाता है तो वाराणसी पच्चीस लिखा जाएगा तो लखनऊ कैसे लिखा जाएगा तो पहले ये देख लीजिए इन्होंने अट्ठाइस किस वे में लिखा है देखिए यहाँ पर इनके नंबर्स नहीं लिए जाएंगे जो इनका प्लेसिंग वैल्यू है वो नहीं ली जाएगी इन्होंने इनको खुद नंबर दिए हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ इन्होंने खुद नंबर दिए हैं नौ तो ये क्या हो गया लास्ट में क्या आया नौ नौ को मल्टीप्लाई किया तीन से प्लस कर दिया वन तो क्या हो गया अट्ठाईस सेम यही है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ को मल्टीप्लाई किया तीन से ठीक है चौबीस होता है प्लस एक किया कितना हो गया पच्चीस अब ये कितना है एक दो तीन चार पाँच छ सात ठीक है सात को मल्टीप्लाई किया तीन से कितना हो गया इक्कीस एक प्लस किया यहाँ पर इक्कीस हो गया एक प्लस किया क्या हो गया बाईस तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाईस ठीक है नेक्स्ट है एक घड़ी प्रतिदिन तीस मिनट आगे हो जाती है दोपहर बारह बजे इसको मिलाया गया अगले दिन प्रातः चार बजे कितना समय दर्शाएगी यानी कि प्रतिदिन वो क्या करती है तीस मिनट आगे हो जाती है बारह बजे इसको मिलाया गया था तो चार बजे प्रातः वो कितना बता बताएगी तीस मिनट आगे हो रही है एक घंटे में आगे हो जाएगी तो एक घंटे यानी टोटल कितने होते हैं चौबीस घंटे होते हैं तो तीस बटे चौबीस आप इसका इस तरह से निकाल सकते हैं तो बारह बजे से चार बजे तक का कितना टाइम हो गया सोलह घंटे हो गए तो ये तीस बटे चौबीस मल्टीप्लाय सोलह अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा बीस ठीक है बीस मिनट लगेंगे तो यहाँ पर बीस मिनट आगे हो जाएगी तो ये चार बजे कितना समय बताएगी चार में बीस और एड कर दीजिए तो टाइम हो जाएगा चार ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट है यदि आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी देखिए आयत का विकर्ण हमारा कितना है 25 का बता रहा है ये और क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर तो आयत की लंबाई हम l से और चौड़ाई b से नापते हैं तो फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हमारा कितना हो गया पच्चीस स्क्वायर कितना इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गए छः सौ पच्चीस ठीक है अब मल्टीप्लाई करें अगर इनको बी को तो ये वन सिक्सटी एट दिखा रहा है ये वन सिक्सटी एट वर्ग मीटर है ठीक है तो अगर इसको पूरी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर निकल कर आ जाएगा ये निकल कर आ जाएगा आपका चौबीस मीटर अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो बता दीजिएगा मैं शॉर्ट्स वीडियोस बना दूंगी तो वहां पर आप ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा ठीक है चौबीस मीटर आंसर क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा हम सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः कितनी है तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रम, जो कुल पुरुष की संख्या कितनी बता रहे हैं ग्यारह साठ और महिला की बता रहे हैं आठ चालीस ठीक है तो टोटल कितने हो गए दो हजार हो गए व्यक्ति अब यहाँ पे पास विद्यार्थी का परसेंटेज है पचपन और महिला का है पैतालीस ठीक है ग्यारह साठ में पचपन तो ये कितना निकल कर आ गया सिक्स थ्री एट और ये है हमारा आठ चालीस में पैतालीस मल्टी हंड्रेड तो ये हमारा निकल कर आ गया थ्री सेवेंटी एट अब सिक्स थ्री एट सिक्स थ्री एट और थ्री सेवेंटी एट को अगर आप प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा दस सोलह अब दो हजार में से दस सोलह अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो असफल विद्यार्थी होंगे वो निकल कर आ जाएंगे नाइन एट फोर आपके विद्यार्थी असफल हुए हैं ठीक है और अगर इनको परसेंटेज में निकालना हो तो आपको देखिए नाइन एट फोर को आप निकाल सकते हैं ऐसे परसेंटेज में नाइन एट फोर नीचे टोटल स्टूडेंट तो दो हजार है और परसेंटेज है तो हंड्रेड आएगा इससे कट गया और बीस से अगर इसको काटेंगे तो ये हमारा टोटल आंसर निकलकर आ जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट टू पॉइंट टू का कोई मतलब नहीं है तो ये हो जाएगा फोर्टी नाइन परसेंट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता मेरेकुलस मोरल मोलर लूकस हो सकता है स्कार बताइए देखिए इसमें जो है इसमें से जो सोलेंस है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ई की जरूरत है और ई हमें इसमें नहीं की बिना तो ऑप्शन सी करेक्ट है अब इन्हें हमें क्रम में लगाना है मेज पत्ती लकड़ी बीज पौधा तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए बीज चाहिए यानी कि फोर ऑप्शन ए कट गया ऑप्शन बी कट गया बीच के बाद हम क्या डालेंगे इस क्या बनेगी पत्ती तो टू आ गया एक मिनट बीज डाला पहले हमने इसमें फिर आएगा हमारा पौधा पौधा आया फिर आएगा पौधे के बाद यहाँ पर इसकी पत्तियां निकलेंगी पत्तियां निकलने के बाद उसकी लकड़ी बनेगी और लकड़ी बनने के बाद उसकी मेज बनेगी तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी ठीक है अब देखिए इनमें से कौन भिन्न है बड़ाई, कुमार, मिस, आ, मिस्त्री और किसान तो किसान तो देखिए के अन्य सभी किसी ना किसी वस्तु का क्या है निर्माण करें लेकिन वड़ाई जो है किसी का निर्माण नहीं करता वो सॉरी किसान जो है किसी का निर्माण नहीं करता वो अन्न उगाता है तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है एक लड़के की फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र यानी वो खुद ही हो गया का पुत्र है यानी कि उसका बेटा है सुनेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है तो पिता हो गया ऑप्शन डी सिंपल है ठीक है कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जब आप बोलते हैं या फिर जब आप पढ़ते हैं ना तो तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अब देखिए निष्कर्ष है पूरा ही पढ़ने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं सभी चूह है, शेर चूहे हैं कुछ बिल्लियां शेर हैं अब देखिए सभी शेर क्या हैं जो शेर हो गए हमारे एस से डिनोट कर देती हूँ सभी शेर क्या है चूहे हैं ठीक है सी से डिनोट कर दिया मैंने इसे अब कुछ बिल्लियां शेर हैं तो कुछ बिल्लियां जो हैं क्या हैं शेर कुछ बिल्लियां चूहे हैं तो ऑब्वियसली चू जब शेर के अंदर चूहे हैं तो यहाँ पर ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है कोई चूहा बिल्ली नहीं है अब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी चूहा बिल्ली ना हो ये तो गलत हो गया तो ये हमारा किसका अनुसरण कर रहे हैं ए का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है, फिर है पांच पुस्तकें ए बी सी डी ई सी जो है वो डी के ऊपर रखी है सी जो है डी के ऊपर है तो डी ये हो गया सी इसके ऊपर है ई e, ए के नीचे है अब ई e जो है माना ए इधर है ई e इसके नीचे है डी ए के ऊपर है डी जो है वो ए के ऊपर है सही है ये ए के ऊपर ही है और बी जो है ई e के नीचे है तो बी हमारा यहाँ हो गया कौन सी पुस्तक बीच में है तो देखिए सी डी ई बी ए बीच में है ऑप्शन सी करेक्ट है शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते यानी कि मेरी माँ का पोता की पत्नी है शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है तो वो तो उसके ससुर लगे ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है पढ़ते ही हमने इसको सॉल्व कर लिया जल्दी जल्दी की प्रैक्टिस करिए क्योंकि आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में आसानी होगी ठीक है पचास व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी और अंग्रेजी तथा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं पैंतीस हिंदी बोल सकते हैं जबकि पच्चीस हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं देखिए पैंतीस जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं तो उसमें ये जो पच्चीस हैं वो हिंदी में भी आते होंगे ठीक है तो बच्चे कितने दस जो कि सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं तो पैतीस और दस कितने हो गए पचास जो बोलने वाले हैं एक मिनट पचास टोटल व्यक्ति हैं 35 हिंदी बोल सकते हैं पच्चीस हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं तो देखिए हिंदी बोलने वाले पैंतीस हैं हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले पच्चीस हैं तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हो गए दस ठीक है तो अंग्रेजी बोलने वाले कितने होंगे पचास में से अब दस माइनस कर दो चालीस अब चालीस में से भी पच्चीस जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं उनको माइनस कर दो तो बच्चे कितने पंद्रह तो सिर्फ पंद्रह हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे थे विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर थी शैलेश किस दिशा में मुंह करके बैठा है दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे थे और बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी इसका मतलब क्या हुआ विक्रम बाएं हाथ की ओर है तो इसका मतलब यह है कि वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा था विक्रम ठीक है और शैलेश जो कि उसके विपरीत खड़ा है तो उसका दक्षिण की ओर मुख होगा तो इसमें ये पूछा गया है शैलेश का क्या था तो शैलेश का क्या है दक्षिण की ओर है सिंपल है तो ऑप्शन क्या है डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा अब हमें विषम संख्या चुननी है बहत्तर पैतालीस इक्यासी अट्ठाईस तो देखिए विषम संख्या की बात करें तो यहाँ पर अट्ठाइस के अतिरिक्त बाकी सब क्या है अभिभाज्य संख्या है जैसे कि बहत्तर हो गई वो सॉरी विभाज्य संख्या है किससे नौ से, से देखिए नौ से हमारा बहत्तर कट सकता है पैंतालीस कट सकता है इक्यासी कट सकता है लेकिन अट्ठाइस नहीं कट सकता है ठीक है और अगर हम योग की भी बात करें तो बाकी सब इन तीनों का योग भी कितना है नौ है इसका योग नौ है इसका योग नौ है इसका योग नौ है, है तो डिफरेंट क्या है हमारा अट्ठाईस ऑप्शन डी करेक्ट है लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से अट्ठारवा है उस पंक्ति में कितने लड़के हैं तो ये मान के चलिए इधर से अठारहवा है इधर से अठारवा है ठीक है तो एक इसका प्लेस मान के चलिए तो ये सत्रह होगा ये सत्रह होगा गए सत्रह और सत्रह आप काउंट कर लीजिए कितना होगा या फिर आप ऐसा करिए अठारह और अठारह प्लस कर लीजिए अठारह और अठारह प्लस करेंगे कितना हो जाएगा छत्तीस और छत्तीस में से एक उसका खुद का स्थान है तो उसे माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा जाए। पैंतीस ऑप्शन जाए। पे करेक्ट है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ये सत्रह है ये सत्रह है कितना हो गया प्लस कर लिया चौतीस एक उसका खुद का स्थान है तो उसको यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो चौतीस और एक क्या हो गया पैतीस आंसर आ गया पैतीस सिंपल है बहुत प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप यूं ही मिनटों में मिनटों नहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं ठीक है अब देखिए सभी आम सुनहरे रंग के हैं सभी आम क्या हैं? सुनहरे रंग के हैं तो ये आम हो गए और ये क्या हो गया सुनहरा रंग यहाँ पे क्या है मैंगो ये है सुनहरा रंग कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है अब सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु क्या है वो सस्ती नहीं है आम सभी आम सस्ते हैं ये तो कट गया सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है ये बिल्कुल सही है तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन सेकंड है वो अनुसरण कर रहा है तो डी राइट आंसर हो जाएगा अब देखिए यहां पर डायरेक्ट यहां पर आ जाइए बी बी का अर्थ क्या है डिवाइड तो सॉरी डिवाइड फाइव ये थर्टी है थर्टी पहले है ठीक है ये वाला थर्टी हमने नहीं देखा थर्टी डिवाइडेड बाय फाइव ए का अर्थ है माइनस बाईस सी का है प्लस यानी कि चालीस डी का है मल्टीप्लाई दस अब तीन का पहले डिवाइड कर दी तीस का डिवाइड कर दीजिए ठीक है फाइव से कितना निकल कर आ जाएगा सिक्स यहाँ सॉल्व करते हैं सिक्स फिर क्या है माइनस बाईस और फिर है हमारा यहाँ पर चार है मल्टीप्लाई तो ये प्लस चार सौ हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर दिया टेन से चार सौ आ गया अब यहाँ पर देखिए ये बाईस है इसको बाहर ले आइए इसको इधर ले आइए तो चार सौ में जब हम प्लस करेंगे छ माइनस कर देंगे बाईस तो ये हो गया चार सौ छह चार सौ छह में बाईस माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा थ्री एट्टी फोर यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा सिंपल है नेक्स्ट है सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात सात अनुपात तीन है छ वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात पांच अनुपात तीन होगा उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए है सीमा और उसकी अंजलि की आयु सात अनुपात तीन है यानी सेवन एक्स और थ्री एक्स है ठीक है छ वर्ष बाद यानी कि सेवन एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस सिक्स हो गया ठीक है अब अब कितना अनुपात है तो पांच वटे तीन है अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया इक्कीस इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना तो इक्कीस एक्स प्लस एटीन डिवाइडेड बाय फिफ्टीन प्लस एटीन और थर्टीन होगा ठीक है ये फाइव और थ्री का भी करा है ना आपस में थर्टीन हो जाएगा फिफ्टीन प्लस थर्टीन तो देखिए यहाँ पर सिक्स एक्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे होगा तो एक्स अगर बाहर आ जाएगा तो ट्वेल्व ऊपर चला जाएगा इससे इसको कर दीजिए कितना निकल कर आ जाएगा टू तो यहाँ पर देखिए आप जो उनके आयु का अंतर है होगा ठीक है अब फोर एक्स जो आपका निकल कर आया क्योंकि सेवन एक्स में से माइनस करेंगे थ्री एक्स तो फोर आएगा अब इस फोर को इस टू में आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आठ तो यानी कि क्या है अब उनकी आयु में कितना अंतर है आठ का तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है अब देखिए जो आ, पी है वो आर का पिता है ठीक है तो पी है आर का पिता किंतु आर उसका बेटा नहीं है हो सकता है उनका बेटा नहीं हो आर यानी कि अडॉप्ट किया हो सकता है टी आर की बेटी है अब जो टी जो है वो आर की बेटी है यानी कि माइनस प्लस प्लस यू पी की पत्नी है अब यू जो है वो कौन है पी की पत्नी है पी की पत्नी यू माइनस क्यू आर का भाई है आर का भाई क्या है क्यू यानी कि प्लस एस क्यू का बेटा है अब एस जो है वो किसका है क्यू का बेटा है एस क्यू का बेटा है तो ये नीचे आएगा ठीक है प्लस फिर है वी क्यू की पत्नी है अब वी जो है इसकी वाइफ जो है वो वी है डब्लू वी का पिता है डब्लू जो है वो वी का पिता है यानी ये अलग से जनरेशन आ गई इसका पिता कौन है डब्लू अब हमें क्या बताना है एस की दादी कौन है अब ये एस है इसकी दादी कौन है तो इसकी दादी यू ही हुई लेकिन हम यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि आ, आ, इसकी रियल दादी कौन है तो हम इसको यू ही मानेंगे तो हमने फोर्टी फाइव का आंसर मैं अभी यहाँ लिख देती हूँ यू तो क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा तो ये डी हो गया अब यू का बेटा कौन है अब यू का बेटा देखिए तो यू का बेटा क्यू भी है आर भी है अब यहाँ पे ये तो बताया नहीं है कि इनका रियल बेटा कौन है ठीक है तो हो सकता है ये तो साफ कह दिया कि आर इनका बेटा नहीं है लेकिन क्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्यू ही इसका बेटा मान के चलेंगे तो ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे क्यू अब क्यू का ससुर कौन है अब क्यू का ससुर देखें तो देखिए इसकी वाइफ वी है तो डब्ल्यू इसका क्यों हो गया ससुर तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा तो ऑप्शन सी ठीक है ये रहा ऑप्शन सी होप यहाँ पे क्लियर है यहाँ इसका आंसर था U यहाँ इसका आंसर था क्यू और यहाँ इसका आंसर था W स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से सॉल्व करिएगा नेक्स्ट है शिक्षा को अब देखिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हैं ये रीजनिंग में ही पूछ ले जाते हैं पांच छह क्वेश्चंस कभी तीन चार क्वेश्चंस शिक्षा को परिवारित परिभाषित कीजिए अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान की वृद्धि के रूप में पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के विद्यालय शिक्षा के पर्यावर शब्द के रूप में या फिर जीवन की तैयारी के रूप में तो देखिए हम शिक्षा की यहाँ पर बात करें तो शिक्षा को हम जो भी अनुभव होते हैं उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्ति में जो भी वृद्धि होती है उससे हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि हमने अब तक जो भी सीखा है जो भी अनुभव है हम यही जरूर स्कूल में जाना या किसी से कुछ पढ़ना सिर्फ वही शिक्षा नहीं होती हम अपने आसपास भी बहुत सारी चीजें देखते हैं अनुभव करते हैं वो भी हमारी शिक्षा में आती हैं ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालय में आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों का मनोरंजन का अवसर मिलता है छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है शिक्षक कुछ दिन आराम कर सकते हैं छात्रों को पुरस्कार पाने का अवसर मिलता है तो देखिए ऑब्वियसली आप इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं कि इनसे क्या होता है उनको अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम्स में तो वहाँ पर उनको क्या होता है उन एक्टिविटीज से वो स्टेज पे बोलना सीखते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर हेजिटेशन होती है स्टेज पर नहीं बोल पाते हैं इन सब चीज़ों से उनकी उनको नॉलेज भी मिलती है उनको बोलने का अवसर भी मिलता है उनकी जो टोटल जो उनकी पर्सनैलिटी है वो उभर कर आती है ठीक है नेक्स्ट है कक्षा के सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके इसके लिए गृह कार्य कैसा होना चाहिए छात्रों की योग्यता के अनुसार पुस्तक के बाहर पुस्तक के बाहर से हो एक ही स्तर का हो केवल पुस्तक के भीतर का हो बताइए सिंपल है छात्रों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना उनके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए बहुत ज्यादा ईजी दे दिया तब भी वहां पर उनकी क्या होगी जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है वो निकल कर नहीं आएगी अपनी कैपेबिलिटी को वो लोग यूज नहीं करेंगे और बहुत ही ज्यादा हाई दे दिया तो वहां भी क्या हो गया एक उनके अंदर इन्फीरिटी भी आएगी ठीक है तो उनके लेवल का होना चाहिए यानी कि मॉडरेट लेवल होना चाहिए ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो ठीक है तो ऑप्शन ए करेक्ट है तो ये थे रीजनिंग के रिमेनिंग क्वेश्चन अब फिर से डिस्कस करेंगे चलिए देखते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी में आपके कॉमर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक साझेदार का दायित्व यानी कि एक साझेदार यानी कि पार्टनर जो होता है उसका साझेदारी में कैसा दायित्व होता है असीमित होता है लाभ में उसके अंश की सीमा तक सीमित होता है उसकी पूंजी की सीमा तक सीमित होता है या फिर उसकी हानि के अंश तक सीमित होता है बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर आप सबने पार्टनरशिप पढ़ी होगी उसमें आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी देखिए एक साझेदारी में साझेदार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है उसकी व्यक्तिगत संपत्तियाँ भी वहाँ पर यूज कर ली जाती है अगर फॉर्म में इनफ आ, या फिर आ, हम ये बोल सकते हैं कि अगर फॉर्म के जितने भी असेट है उनसे भी अगर वो ऋण पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसकी पर्सनल जो भी असेट्स है वो भी यूज़ कर ली जाती है इसलिए दायित्व इसका कैसा होता है असीमित ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट देखिए पूंजी वाली कंपनी के निदेशक मंडल का चयन किन के द्वारा होता है ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कराया है थ्योरी क्लासेस में भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है तो आप इसका आंसर गलत मत करिएगा ऑप्शंस हैं कर्मचारियों द्वारा सामान्य जनता द्वारा सरकार द्वारा या फिर अंशधारियों द्वारा बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर सबका आंसर सही आना चाहिए मैं बहुत बार करा चुकी हूँ ये क्वेश्चन देखिए संयुक्त पूंजी कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है और ये देखने के लिए कि फर्म में जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो ट्रांसपेरेंसी हो रही है नहीं उनका जो भी उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसका सही यूज़ हो रहा है या नहीं तो वहाँ पर निदेशक मंडल या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं अब वो अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा क्योंकि शेयर होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी तब पता चलेगी जब वो खुद उनको अपॉइंट करेंगे तभी तो वो उनको एक फेयर रिपोर्ट प्रोवाइड करा पाएंगे फेयर जो भी वहाँ पे काम हो रहा है उसकी सही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे इसलिए जो निदेशक मंडल होते हैं उनका चयन जो होता है वो अंशधारियों द्वारा यानी शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रतिपादन डब्ल्यू टेलर ने किया था समिति संगठन क्रियात्मक संगठन रेखा व कर्मचारी संगठन या फिर रेखा संगठन बताइए एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हैं इसलिए मैंने बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमर्स करके एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है वो आप देख लीजिएगा एग्जाम से पहले सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्लासेस भी जो मैंने कराई हैं वो भी देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर एफ डब्ल्यू टेलर की बात की जा रही है तो इन्होंने जो अवधारणा दी थी वो दी थी क्रियात्मक संगठन पर यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा राइट right आंसर है अब देखिए एस डी डीआर है अब एसडीआर क्या है आपने इस तरह पढ़ा होगा एसडीआर एक दायित्व है एक कागजी स्वर्ण है एक संपत्ति एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक इकाई है बताइए एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स देखिए एस जो है पहले आप ये समझ लीजिए एस का जो मैनेजमेंट होता है एस जो इशू करती है वो करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आई आपने पढ़ा होगा और एस एक कागजी स्वर्ण मुद्रा के रूप में भी जानी जाती है इसका कागजी स्वर्ण मुद्रा भी बोलते हैं यानी कि पेपर करेंसी भी इसको बोला जाता है पेपर गोल्ड ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विविधात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है रेटिंग कार्य डिजाइन कार्य मूल्यांकन या फिर कार्य विश्लेषण बताइए इंग्लिश में भी ये क्लासेस जो हैं वो इवनिंग में होती हैं हिंदी में मॉर्निंग में होती हैं तो आप इंग्लिश में अगर देखना चाहते हैं तो आप इवनिंग की क्लासेस देख सकते हैं जो कि सेवन थर्टी पर होती है ठीक है और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम ये पेपर कराएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप देख लीजिएगा मैं लिंक दोनों का वीडियो के नीचे दे दूंगी ठीक है अब बताइए विविधात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है देखिए यहाँ पर बात करें तो मेरिट रेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरिट रेटिंग में विविधात्मक मजदूरी निर्धारण का प्रयोग किया जाता है ठीक है इसमें जो दरें होती हैं यानी कि जो रेट होती हैं वो न्यूनतम मजदूरी दर औसत मजदूरी दर और, और अधिकतम मजदूरी दर इस तरह की इसमें रेट होती हैं यानि कि बिलो एवरेज और मैक्सिमम इस तरह से रेट यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तलपट में दिया गया अंतिम रहती लाभानी खाते में दिखाया जाता है यानी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है राज संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करता है आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए आए है शुद्ध लाभ संस्था के लिए दायित्व बताइए क्या हुआ राइट आंसर देखिए यहाँ पर बात की जा रही है असत्य की तो यहाँ पर जो देखिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तलपट में दिया गया जो अंतिम रेट दिया होता है वो यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया गया है तो वो लावानी खाते में नहीं दिखाया जाएगा वो डायरेक्ट किस में दिखाया जाता है संपत्ति पक्ष में जो कि हमारा आर्थिक चिट्ठे में होता है ठीक है तो अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो वो डायरेक्ट फिर संपत्ति पक्ष में यानी कि असेट साइड दिखाया जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है ठीक है बाकी सब स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों में हुई अशुद्धियों का प्रभाव पड़ता है किस पर व्यापार खाते पर लाभानी खाते पर लाभानी समाजीवन खाते पर या फिर चिट्ठे पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर अगेन इससे रिलेटेड भी मैंने थ्योरी क्लासेस में ये सारी चीजें आपको कराई हैं तो आपने अगर थ्योरी क्लासेस पढ़ी होंगी तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं मैंने वहां पे व्यक्तिगत तो और वास्तविक खातों की अशुद्धियां बहुत अच्छे से समझाई थी आपको देखिए आपको ये पता होना चाहिए जो व्यक्तिगत तो देखिये वास्तविक खाते हैं ये हमारे कहा दिखाए जाते हैं ये हमारे चिट्ठे में दिखाए जाते हैं और अगर चिट्ठे में दिखाए जाते हैं तो इनमें अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो चिट्ठे पर इसका प्रभाव पड़ेगा इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा चिट्ठे पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है यदि सकल लाभ अनुपात हमारा पच्चीस शुद्ध लाभ अनुपात बारह परसेंट और विक्रय इक्कीस हजार छह सौ है तो विक्रित माल का लागत क्या होगी हमें ये निकालनी है बताइए सॉल्व करके देखिए पहले फिर मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ इसमें बेचे गए माल की लागत आपको निकालनी है देखिए यहाँ पर बेचे गए माल की लागत निकालनी है तो पहले आप ये देख लिए आपकी विक्रय मूल्य क्या है इक्कीस छः सौ इक्कीस सौ ठीक है और यहाँ पर आपका अनुपात कितना दिखा रहा है ये सकल लाभ अनुपात पच्चीस परसेंट है ठीक है सकल लाभ अनुपात पच्चीस परसेंट है तो यहाँ पर आप अगर हंड्रेड में से पच्चीस माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा पचहत्तर ठीक है हंड्रेड तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्कीस हज़ार छः सौ में मल्टीप्लाई करेंगे पिछहत्तर का और डिवाइड करेंगे हंड्रेड तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा सोलह हजार दो सौ तो आपका जो बिक्री माल अनुपात होगा बिक्री माल की जो लागत होगी वो हमारी हो वो होगी सोलह छः सौ और अगर आप इस सोलह छः सौ से रिवर्स में निकालते हैं तो आपका इक्कीस छः सौ यहाँ पर विक्रय मूल्य भी निकल कर आ जाएगा तो आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं ठीक है अब देखिए नेक्स्ट पर आइए निम्नलिखित में से कौन सा गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण है रास मजदूरी वेतन भवन का किराया या टेलीफोन व्यय बताइए देखिए यहाँ पे गैर रोकड़ी व्यय की बात की जा रही है गैर रोकड़ी व्यय जिसमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर है अब नॉन कैश ये तो हमारा कैश से रिलेटेड है टेलीफोन पे भी कैश से है, और भवन का नॉन कैश क्या होगा तो ऑप्शन ए यहाँ आंसर है नेक्स्ट है रहतिया आवर्त अनुपात में रहतिया का संबंध मापा जाता है किससे औसत विक्रय से विक्री माल की लागत से कुल क्रय से या फिर कुल संपत्ति से बताइए रहतिया आवर्त यानी कि जो स्टॉक रेशो होता है वो हम किससे निकालते हैं अभी अभी आपने ऊपर भी निकाला था तो आपको पता होगा देखिए जो रहतिया आवर्त यानी कि जो स्टॉक रेशियो होता है वो हम निकालते हैं बेचे गए है माल की लागत और औसत रहतिया इन दोनों के संबंध को ये हमारे बताता है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी बिक्री माल की लागत से इसका संबंध मापा जाता है ठीक है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डू पॉइंट डू पॉइंट विश्लेषण संबंधित है ये किससे संबंधित है चालू संपत्तियों के विश्लेषण से लाओ के विश्लेषण से पूंजी बजटन से या फिर स्थायी संपत्तियों के विश्लेषण से बताइए देखिए ये क्वेश्चन को करने से पहले आप आई एम श्योर आप में से बहुत कम लोग हैं जो इसको कर पाएंगे पहले आप ये समझ लिए डू पॉइंट विश्लेषण क्या होता है देखिए डू पॉइंट विश्लेषण एक अमेरिक कंपनी का नाम था ये शुद्ध लाभ और जो भी विनियोजित पूंजी होती थी उसके प्रभावित उसको प्रभावित करने वाले घटकों को इस चार्ट में प्र... एक चार्ट होता था उसमें यहाँ पर उसको दिखाया जाता था उस चार्ट को ही यहाँ पे डू पॉइंट विश्लेषण कहा जाता था ठीक है तो यहाँ पर यह हमारा किससे संबंधित है ये हमारा संबंधित है लाभ के विश्लेषण यानी कि प्रॉफिट को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है और डू पॉइंट विश्लेषण यानी कि एक चार्ट में इसको दिखाया जाता है वो चार्ट कहलाता है हमारा डू पॉइंट विश्लेषण ठीक है तो यहाँ पर और कंपनी का नाम क्या था वो था डू पॉइंट कंपनी ठीक है तो ऑप्शन भी यहाँ पे लाभ के विश्लेषण से हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कंपनी में से कौन सा सत्य नहीं है सॉरी uh, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है अंशधारियों एवं हितधारकों के लिए वित्त विवरण सूचनाओं को प्रमुख स्रोत होते हैं समता पर प्रत्याय तथा प्रति अर्श अर्जन एक और एक की बात होती है अम्ल परक अनुपात की गणना करके इन्वेंट्री को चल संपत्तियों में नहीं सम्मिलित किया जाता डी ऑप्शन है ऋण समता अनुपात फॉर्म के दीर्घकालिक शोध क्षमता का मापन करता है बताइए इनमें से कौन से सत्य नहीं है देखिए यहाँ पे सत्य की बात करें तो अंशधारियों एवं हितधारकों के लिए वित्तीय विवरण सूचनाओं का प्रमुख स्रोत होते हैं ये तो बिल्कुल सही है वित्तीय विवरण और सूचनाओं के आधार पर ही यहाँ पर अंशधारियों एवं हितधारकों के लिए ये यानी कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बेसिस पर वो यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं थर्ड है अम्ल परक अनुपात की गणना करके इन्वेंट्री को चल संपत्ति में नहीं सम्मिलित किया जाता ये यह भी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर चंपल संपत्तियों में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता फिर है ऋण समता अनुपात फर्म के दीर्घकालिक शोधन क्षमता का मापन करता है ये भी सही है कि जो ऋण क्षमता अनुपात होते हैं ये दीर्घकालीन शोधन क्षमता में हमारी हेल्प करते हैं जब अब आते हैं जो कथन सत्य नहीं है तो देखिए भी यहाँ पे हमारा कथन सत्य नहीं है यहाँ पर बात की जा रही है क्षमता पर प्रत्याय तथा प्रति अर्ज अंश अर्जन एक ही बात होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो क्षमता पर प्रत्याय के निर्धारण के लिए अंशधारियों का कोष और प्रति अंश अर्जन के लिए समता अंशों की संख्या का प्रयोग किया जाता है ठीक है यह तो ये अलग अलग बातें होती हैं दोनों तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020 का थोड़ा सा थोड़ा सा जो अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया था अगर आप यहाँ पर इसके कंपैरिजन में 17, 18 और 19 का पेपर देखेंगे तो वो बहुत इजी था ट्वेंटी ट्वेंटी में पेपर थोड़ा टफ दिया था इन्होंने ठीक है एक ऋण पत्र में नहीं है स्थिर ब्याज दर परिपक्वता अवधि वोटिंग अधिकार परिसमापन में प्राथमिकता बताइए देखिए आप सबको पता है कि ऋण पत्र में स्थिर ब्याज दर होती है यानी कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट वहाँ पे होती है और परिपक्वता अवधि भी होती है यानी मैच्योरिटी यहाँ पे टाइम भी होता है परिसमापन पे प्राथमिकता भी होती है लेकिन इनको वोटिंग अधिकार नहीं होता है वोटिंग अधिकार किसको होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वोटिंग अधिकार में वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ऋण पत्रों का कारोबार होता है स्कंद विपणी में मुद्रा बाजार में वस्तु विपणी में या फिर ये सभी बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर देखिए ऋण पत्रों के कारोबार की बात करें तो इसका कारोबार होता है स्टॉक मार्केट जिसको हम स्कंद बिपड़ी के नाम से भी जानते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जमा प्रमाण पत्र जो अधिकतम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं वह है पैतालीस दिनों के लिए साठ दिनों के लिए बारह महीनों के लिए नब्बे दिनों के लिए बताइए जमा प्रमाण पत्र की बात की जा रही है जिसकी अधिकतम परिपक्वता अवधि पूछी गई है देखिए यहाँ पर बात करें जमा प्रमाण पत्र की तो आपको पता है जमा प्रमाण पत्र हमारे किस में आते हैं ये हमारे शॉर्ट टर्म में आते हैं और शॉर्ट टर्म की के टाइम पीरियड कितना होता है एक साल तक का तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है साठ दिनों की नब्बे दिनों की तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कम से कम सात होते ही है सात दिन दिन होते हैं इसमें और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम की बात करें तो वो होता है बारह महीने तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है ये भी नोट कर लीजिए अगर न्यूनतम पूछा गया टाइम पीरियड तो सात दिन है और अधिकतम है तो बारह महीने है ठीक है तो ऑप्शन सी जो है बारह महीनों के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जमा प्रमाण पत्र जो कम से कम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं देखिए नीचे आ गया और मैंने भी नहीं देखा था और मैंने डायरेक्ट आपको पहले ही आंसर बता दिया ठीक है छः दिन सात दिन आठ दिन या पंद्रह दिन ऑप्शन बी राइट आंसर है सात दिनों के लिए जो कि अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया ऊपर नेक्स्ट है अल्पकालीन निधि के सौदे किए जाते हैं पूंजी बाजार में मुद्रा बाजार में वस्तु बाजार में या इनमें से कोई नहीं बताइए अल्पकालीन निधि यहाँ पर ये बात की जा रही है टाइम पीरियड मतलब जिनका कम होता है वैसे सौदे देखिए अल्पकालीन सौदों की बात करें तो इनकी जो इनके जो सौदे होते हैं ये किए जाते हैं हमारे मुद्रा बाजार में ठीक है तो ऑप्शन बी राइट है और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ अगर यहाँ पर दीर्घकालीन सौदे पूछे जाते तो उनका आ, आंसर होता है पूंजी बाजार यानी कि अल्पकालीन के लिए मुद्रा और दीर्घकालीन के लिए पूंजी बाजार ठीक है तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है नेक्स्ट है ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है और लास्ट टाइम हमारा ये फसा भी था बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट मैंने आपको कराए थे और डायरेक्ट आए थे, थे एग्जाम में तो अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो सारे प्रैक्टिस सेट करिएगा ट्रेजरी बिल की अवधि यहाँ पे मैंने आपको ट्रेजरी बिल भी बहुत अच्छे से समझाया था नाइन्टी दिन वन दिन थ्री या ये सभी बताइए सामान्यता अवधि इसकी कितनी होती है देखिए यहाँ पर बात करें ट्रेजरी बिल की तो पहले ये जान लीजिए ट्रेजरी बिल जो होते हैं अमेरिकी सरकार ट्रेजरी विभाग द्वारा ये निकाले जाते हैं ये एक शॉर्ट टर्म टाइम के होते हैं शॉर्ट टर्म लोन की तरह होते हैं और जो इनका जो टाइम पीरियड होता है कम से कम एक साल का होता है ट्रेजरी बिलों में जो विभिन्न परिपक्वता अवधि होती है वो एक साल है और ये सामान्यतः छूट पर जारी किए जाते हैं यानी कि डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं तो यहाँ पर अवधि सामान्यता पूछी गई है तो तीन सौ चौंसठ है वैसे ट्रेजरी बिल नाइन्टी वन दिन के भी होते हैं ठीक है तो यहाँ पर सामान्यता पूछा गई है तो सामान्यता हमारे एक साल है एक साल से ज़्यादा नहीं होते हैं इसलिए तीन सौ चौंसठ यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये भी आई थिंक आपने यहाँ पे सही टिक किया होगा नेक्स्ट है कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है ट्रेजरी बिल विनमय बिल कॉमर्शियल पेपर या फिर बॉन्ड बताइए देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था आपको पता होगा मुद्रा बाजार में कौन से होते हैं अल्पकालीन चीजें यानी कि जिनके टाइम पीरियड एक एक साल से कम का होता है वहां पर इनका सौदा किया जाता है और पूंजी बाजार में एक साल से ज्यादा का तो आपको पता होगा ट्रेजरी बिल अब भी मैंने बताया एक साल तीन से चौसठ दिन यानी कि एक साल से कम का है तो मुद्रा बाजार का दस्तावेज होगा बिन्म बिल का टाइम पीरियड भी एक साल से कम का होता है तो वो भी वो मुद्रा बाजार का है कॉमर्शियल पेपर अगेन ये भी हमारे शॉर्ट टर्म लोन में आते हैं तो इनका टाइम पीरियड भी कम हो गया बच्चा क्या बॉन्ड बॉन्ड हमारे लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं तो बॉन्ड हमारा पूंजी बाजार का दस्तावेज है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बॉन्ड राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए जब प्रतिभूतियों के क्रय का अधिकार दिया जाता है तो यह कहलाता है कॉल विकल्प विकल्प कॉल एम पुट विकल्प या फिर ये सभी बताइए क्रय का अधिकार पूछा गया है यहां पर देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ अगर क्रय क्रय में पहले का आता है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर कॉल विकल्प और अगर विक्रय पूछा जाए तो इसका रिवर्स होगा पुट विकल्प तो यहाँ पे क्रय का अधिकार पूछा गया है तो देखिए क्रय का अधिकार में का आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल विकल्प उसका ऑप्शन ए राइट आंसर है और अगर विक्रय विकल्प पूछा जाए तो यहाँ पे विक्रय का अधिकार जो होगा वो हमारा होगा पुट विकल्प तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ए कॉल विकल्प ये छोटी-छोटी चीजें हैं मिस मत करिएगा एग्जाम में इन्हीं चीजों के मार्क्स जाते हैं और ये बहुत कॉमन होती है, हैं इसलिए एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है नव निर्गमन बाजार नवीन प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है नव निर्गमन बाजार मौजूद प्रतिभूति के साथ सौदा करता है नव निर्गमन बाजार सूचियन प्रतिभूति के साथ सौदा करता है या फिर नव निर्गमन बाजार केवल ऋण में सौदा करता है बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर यहां पे सत्य बताना है आपको देखिए नाम से ही पता है नव निर्गमन बाज़ार यानी कि न्यू इशू मार्केट है यहाँ पर तो जब न्यू इशू मार्केट होते हैं तो जो न, न, न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें ही डीलिंग करते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी एग्जिस्टिंग में न्यू निर्गमन बाज़ार नहीं करते सूचियन में भी नहीं करते और ना ही केवल ऋण पत्रों में ये जो भी नए इशू होते हैं मार्केट में सिक्योरिटीज उनके साथ डील करते हैं इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्यापार संतुलन से अभिप्राय होता है निवेश पर प्राप्त आगम घटा एक पक्षीय प्राप्तों का, का निर्यात एवं सेवाओं का निर्यात घटा वस्तुओं का सेवाओं के आयोग आयात का योग या फिर वस्तुओं का निर्यात आयात घट निर्यात घटा वस्तुओं का आयात बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे संतुलन के बारे में पूछा गया है बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर इसका देखिए यहाँ पे व्यापार संतुलन की बात की जा रही है तो आयात और निर्यात के बूच बीच में जो मूल्य में अंतर आता है उसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट right आंसर होगा वो ये होगा जो भी हमारी वस्तुओं का आयात है उसको माइनस करेंगे वस्तुओं के आयात से यानी कि निर्यात में से आयात माइनस uh, करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा व्यापार संतुलन ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीडीपी के संबंध में जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सही है जी एन पी माइनस एक्स माइनस एम इक्वल टू जी डी मौद्रिक जीडीपी स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का मूल्य है जीडीपी इक्वल टू मजदूरी प्लस लाभ प्लस ब्याज या फिर ए और बी दोनों बताइए बताइए देखिए यहाँ पर जीडीपी के संबंध में सही कथन की बात करें तो ऑप्शन ए भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है और ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर है इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ए व बी दोनों सही होंगे जो हम जीएनपी में से एक्स कमोडिटी और एम कमोडिटी माइनस करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा जीडीपी निकल कर आ जाता है और मौद्रिक जीडीपी में जो हम स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का मूल्य है इस तरह से निकालते हैं तब भी हमारा ये जीडीपी के संबंध में ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है तो ऑप्शन ए व बी दोनों ही हमारे यहाँ पर राइट है ठीक है व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है यानी कि राष्ट्रीय आय में हम बात करें व्यक्तिगत आय की जो यानी कि एक पर्सन की आय की जब हम गणना करते हैं तो किस-किस चीजों -किस को यहाँ पे वो इंक्लूड करते हैं व्यक्तियों को मिलने वाली हस्तांतरण आय सामाजिक सुरक्षा योगदान निगमकन या फिर अवितरित लाभ बताइए आप अकॉर्डिंग क्या लगता है इसका आंसर देखिए राष्ट्रीय आय में जो जोड़ी जाती है वो है व्यक्तियों को मिलने वाली हस्तांतरण आय तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है व्यक्तिगत आय उन सभी आय का योग होती है जो वास्तव में व्यक्तियों अथवा घरेलू क्षेत्रों द्वारा प्राप्त होती हैं व्यक्तिगत आय जैसे कि एनएनपी में जब हम माइनस करेंगे अवितरित निगम लाभ और सामाजिक सुरक्षा अंशदानों और इस साथ ही साथ इसमें अगर हम प्लस कर देंगे व्यक्तियों को मिलने वाली हस्तांतरण आय और सामाजिक ऋण पर तो यहां पर ब्याज तो हमारी व्यक्तिगत आय निकल कर आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब ये यह पर क्या होगा माइनस होगा ये माइनस होगा और यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा अंशदान जो है ये यह भी यहाँ पर क्या है माइनस हो जाएगा ये सब माइनस वाली हैं या ये बस एक है हेड ऐसा है या फिर एक पॉइंट ऐसा है जो कि इसमें ऐड होता है ठीक है तो अगर ये भी याद रखिए अगर बाई चांस आपके इस साल एग्जाम में ये पूछा जाता है राष्ट्रीय आय में किन किन को घटाया जाएगा तो याद रखिए सामाजिक सुरक्षा योगदान को घटाया जाएगा निगम करों को घटाया जाएगा और अवितरित लाभ को घटाया जाएगा ठीक है कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि इस साल जो पूछा गया है ऑप्शंस में से नेक्स्ट ईयर में भी वही उन्हीं ऑप्शंस में से क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं तो हर ऑप्शंस को हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट है यदि उपयोगिता सुनने हैं तो, है तो बताइए क्या लगता है ऑप्शंस देखिए कुल उपयोगिता अधिकतम होगी उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई कुल उपयोगता में कमी लाएगी उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई या फिर कुल उपयोगिता में वृद्धि लाएगी ये दोनों बताइए सीमांत उपयोगता तो आप समझते होंगे मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं शून्य है तो क्या होगा देखिए अगर यहाँ पर बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की तो राइट आंसर होगा कुल उपयोगिता अधिकतम होगी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी शून्य तभी होती है जो हमारी जो टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता है वो हमारी मैक्सिमम होगी यानी अधिकतम होगी किसी वस्तु के मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं यानी कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले या फिर जिससे जरूरतें पूरी हों वो उपयोगिता हमें कहलाती है फॉर एग्जाम्पल आपने एक रोटी खाई अब उस रोटी को खाने से रोटी यानी कि ब्रेड का पीस जो आपने खाया उसको खाने से आपकी भूख शांत हुई यानी कि उसमें यूटिलिटी है लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्यास लगती है और आपको पानी चाहिए लेकिन मैंने आपको क्या दे दी टी दे दी उसकी जगह तो वहाँ पर यूटिलिटी आपको वो पानी वाली उससे नहीं मिलेगी तो यानी कि टी में आपका गला जो सूखा हुआ है वो तो वहाँ पर ठीक हो जाएगा लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी यानी कि हम ये बोल सकते हैं टी में वो यूटिलिटी नहीं है जो यूटिलिटी आपको पानी से मिलने वाली थी ठीक है तो यहाँ पर आप आप समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा अपना यूटिलिटी में तो उसके बेसिस पर ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन ए है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शुद्ध एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत आगम के बीच क्या संबंध होता है कीमत सीमांत आगम से अधिक होती है कीमत सीमांत आगम से कम होती है कोई संबंध नहीं होता या फिर ये परस्पर बराबर होते हैं बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका देखिए यहाँ पे शुद्ध एकाधिकार में कीमत और सीमांत आगन के बीच संबंध बताया गया है तो इन दोनों में जो संबंध होता है वो परस्पर बराबर रहता है तो ऑप्शन टी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध एकाधिकार की विशेषता है ऑप्शन है निम्न मांग की कीमत लोच फर्म के प्रवेश पर न्यून बाधाएं निकट स्थानापन उत्पाद या फिर पूर्ण सूचना बताइए देखिए यहाँ पर शुद्ध एकाधिकार की विशेषता की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो निम्न मांग की जो कीमत है कीमत में जो यानी फ्लैक्सिबिलिटी होती है यानी कि लोच होता है उसमें तो ऑप्शन ए पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा शुद्ध एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता अथवा अनेक क्रेता होते हैं यानी कि यहाँ पे एक सेलर होगा बहुत सारे परचेजर होते हैं इस बाजार में वस्तु की निखंड स्थानापन उपलब्ध नहीं हो पन्ने के कारण मांग की कीमत में लोच होते है यानी कि वहाँ पे कोई भी अगर हम सब्सटिट्यूट देखें तो सब्सटिट्यूट नहीं होता है जिस वजह से कीमत में क्या है बहुत ज़्यादा लोच होती है ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right है मैंने मार्केट वर्क की थ्योरी कराई हुई है तो एक बार मार्केट की थ्योरी देख लीजिएगा तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ठीक है आप कोई भी चीज़ सर्च करें तो वहाँ पे माई कॉमर्स इन्फो लिखेंगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा सारे टॉपिक मैंने कराए हुए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे नेक्स्ट है एक व्यक्तिगत मांग वक्र दाई और नीचे की ओर गिरा होता है क्योंकि ठीक है यानी मांग का जो वक्र होता है वो दाई और नीचे गिरा हुआ है किस कारण है सीमांत उपयोग हासनियम काम करता है वहां पे इसलिए कीमत में कमी की प्रतिस्थापन प्रभाव काम करता है कीमत में कमी का आय प्रभाव काम करता है या फिर उपरोक्त सभी बताइए क्या होगा आंसर देखिए व्यक्तिगत मांग का वक्र जो है वो दाई और इसलिए गिरा होता है क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्तिगत जो भी उपभोक्ता है उसकी उपयोगिता में कमी निरंतर कमी आ जाती है यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो पहले आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा फिर जैसे जैसे आपका जो आपकी भूख है या फिर जो आपका जो उससे जो आपको यूटिलिटी मिल रही थी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी यानी कि आप उससे सेटिस्फाई होते चले जाएंगे तो वहाँ पर वो जो है वो उसमें आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में वहाँ पर कमी आने लग जाएगी फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगती है एक गिलास पानी पीते हैं आपकी प्यास नहीं बुझती दूसरा ग्लास पानी पीते हैं तो आपकी प्यास बुझ जाती है तीसरे ग्लास में हो सकता है कि आपको वो पानी नहीं पिया जाए या फिर आप कोशिश कर लें तो वो आधा पिया जाए तो इससे क्या हुआ हिज्रास में कमी आई पहला ग्लास आपने डायरेक्ट पूरा पी लिया दूसरा आपने धीरे धीरे पिया तीसरे में आप ने या तो छोड़ दिया या फिर और धीरे धीरे पिया तो इससे क्या हुआ हिरास में कमी आई तो यहां पे ऑप्शन ए नियम पे आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो पूरक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी स्नापन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी उस वस्तु की मांग में कमी होगी बी और सी दोनों बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर देखिए यहां पर अगर हम बात करें वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो देखो क्या होगा आप, आप प्रैक्टिकल सोच के चलिए किसी भी वस्तु है कोई भी वस्तु उसकी मांग में कम वो सॉरी उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है तो आप क्या करेंगे जो भी स्थानापन यानी कि स्थानापन का मतलब उसका जो सब्सिट्यूट है उसको खोजेंगे और उसकी की उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी या फिर और जो जो प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बढ़ा है उसकी मांग में कमी हो जाएगी यही दो चीज़ सोच सकती हैं आप कोई भी मार्केट में कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं वो बहुत महंगा मिलता है तो आप कोशिश करते हैं कि उस जैसा ही दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल जाए कम प्राइस में तो आप वो ले लेते हैं तो वहाँ पर उसकी प्राइस उसकी डिमांड बढ़ गई और यहाँ पर आपने इसको छोड़ा प्रोडक्ट को महंगे के कारण तो इसकी डिमांड क्या है कम हो गई ठीक है दो कारण हुए तो यही यहाँ पर ये यह बताया गया है तो ऑप्शन बी सी दोनों सही हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा बी और सी होता है हमारा इस कारण हम स्थापन की मांग में वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की मांग में कमी होगी ठीक है आई होप यहाँ पे ये यह आपको क्लियर है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है फर्मों की कम संख्या फर्मों के परस्पर निर्भरता का अभाव फर्मों द्वारा कार्टेल यानी कि उत्पादक संघ बनाने की संभावना या फिर उपभोक्त तो सभी बताइए अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है तो आप जो जानते होंगे ये क्या बात कर रहे हैं देखिए यहां पर बात की जा रही है ओलिगोपॉली की जिसमें एक बाजार होता है या उद्योग होता है उसमें बड़ी संख्या में बड़े विक्रेताओं का प्रभुत्व होता है यह बाजार फर्मों द्वारा उत्पादन संघ की स्थापना नहीं कर पाता है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है कार्टेल बनाने की संभावना नहीं होती ये यह विशेषता यहाँ पर इसकी नहीं है ओलिगोपोली की तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हानि होने के बाद भी एक फर्म तब, तब तक उत्पादन जारी रखेगी जब कीमत इक्वल टू एसी होगा कीमत इक्वल टू एएफसी कीमत इक्वल टू एवीसी या फिर कीमत इक्वल टू टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट बताइए देखिए आप खुद ही सोचिए कोई भी फर्म है वो बिजनेस कर रही है तो वहां पर उसको हानि हो रही है तो कब तक वहां पर उसको हानि को सहन करेगी जब तक उसका जितना भी वहां पर खर्चा हुआ है वो तब तक उतना वसूल नहीं कर लेती लेकिन जितना खर्चा हो रहा है उससे कम वसूल कर रही है तो तो वहाँ पर रोक देगी लेकिन वो तब तक जारी रखेगी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोडक्ट को बना रही हूँ उस प्रोडक्ट को पूरे बनाने में मुझे पचास हज़ार रुपये लग रहे हैं और मुझे वहाँ पे पचास हज़ार ही मिलना है तो मैं एक बार को ये सोचूंगी कि चलो कोई नहीं मैं बना के देखती हूँ हो सकता है कि आगे जाके मेरा प्रोडक्ट है जो है या फिर मेरी जो सेल है वो बढ़ जाए तो मुझे फिर पचास हज़ार से ज़्यादा मिले लेकिन अगर मेरे प्रोडक्ट में कमी आ रही है पचास हजार का मेरा खर्चा आ रहा है और मुझे वहां पर मिलना है सिर्फ चालीस हजार तो मैं वहां पर जारी नहीं रखूंगी तो जारी तब तक रखा जाता है जब तक हमारी कीमत और जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो बराबर होती है तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता जा, है क्या कहा जाता है प्रतिस्थापन का नियम घटते एमयू का नियम ऋणात्मक प्राप्ति का नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं बताइए देखिए यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता नियम की बात करें तो पहले आप ये याद रखिए इस नियम को हम बात करते हैं इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं गोसेन का दूसरा नियम ठीक तो है तो ऑप्शन ए पे राइट आंसर है सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में तो उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए अपने सीमित साधनों को इस प्रकार से यहाँ पे वो व्यय करना चाहिए ये बताया जाता है कि इस तरह से व्यय करना चाहिए कि प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसकी अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान हो यानी कि वो तब तक उसको प्रयोग करे जब तक उसकी जो अंतिम इकाई है उससे जो उपयोगिता मिल रही है वो उसके समान आ जाए सेम वही बात है जितना जीरो पे नहीं आना चाहिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं जाना चाहिए उसके बराबर होना चाहिए तब तक तो वो उसको कंज्यूम करे लेकिन अगर कंजम्पशन लेवल उसका यूटिलिटी से कम जा रहा है तो वहां पर उसको स्टॉप कर देना चाहिए यानी कि बराबर का लेवल उसको रखना चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रतिस्थापन का नियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिये देखिए उपयोगिता से यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछेगा ट्वेंटी ट्वेंटी में तो अभी आप उपयोगिता और एक पार्टनरशिप इन दो से बहुत क्वेश्चन आए हैं तो याद रखिएगा इनको आपको बहुत अच्छे से करना है मैंने आपको यूटिलिटी के के चैप्टर बहुत अच्छे से करा रखा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार बताइए क्या प्रथम इकाई पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी उपभोग की इकाई में वृद्धि सीमांत उपयोगिता में वृद्धि लाती है अधिक इकाइयों का उपयोग करने से कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है अधिक इकाइयों के उपयोग से सीमांत उत्पादन घटता है बताइए क्या होगा राइट आंसर देखिए अभी अभी मैंने बताया जो प्रथम इकाई पर कुल उपयोगिता हमारी क्या होती है हमेशा अधिकतम होगी और जब तक उसकी आखिरी होगी वहां तक उसको क्या रखना है लेवल में अपनी उपयोगिता रखनी है आखिरी इकाई तक तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ए ऑप्शन है मांग की कीमत लोच अनंत होती है ए आर और एम आर बराबर होते हैं क्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है फर्में दीर्घकाल में, में अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकती हैं। बताइए क्या होगा देखिए पूर्ण काल के यहाँ पर बात करें तो जो सही ऑप्शन नहीं है वो है हमारा फर्म दीर्घ काल में अतिरिक्त लाभ अर्जित नहीं कर सकती ठीक है मांग की कीमत में लोच अनंत होती है ये बिल्कुल सही है पूर्ण प्रतियोगिता के अनुसार ए आर एम आर बराबर होते हैं ये भी सही है और क्रेताओं को बाजार में पूर्ण जानकारी होती है यानी कि परफेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो है हमारा फर्म दीर्घ काल में अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकती है ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फुटकर बैंकिंग उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है घरेलू ऋण कर कार्यशील पूंजी वित्त सम समयावधि ऋण या फिर बाह्य संरचनात्मक वित्त बताइए क्या होगा फुटकर बैंकिंग की बात करें तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फुटकर बैंकिंग उत्पाद को ही घरेलू ऋण भी कहा जाता है तो आप ये नाम याद रख लीजिए घरेलू ऋण वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने नियमित व साधारण उपभोक्ताओं को सेवाओं के रूप में दिया जाता है ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा घरेलू ऋण राइट आंसर है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैश्विक व्यापार के नियमों को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्गमित करता है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम बताइए देखिए यहाँ पे वैश्विक व्यापार के नियमों को बात की जा रही है तो वैश्विक व्यापार के नियमों का जो संगठन है निर्गमित करता है वो करता है विश्व व्यापार संगठन तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है बैंकिंग क्षेत्र में सीई वो सॉरी ई e का अभिप्राय किससे है यानी कि इसकी फुल फॉर्म बताने हैं ई कॉमर्स सर्विस इक्विटी कॉम्पोनेंट सिस्टम एम्बोर्डेड साइंस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस बताइए देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है बैंकिंग क्षेत्र में तो बैंकिंग क्षेत्र में ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेस ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया को जिसमें जब अपराधी निर्दोष व्यक्तियों के विवरणों का उपयोग कर उसके खातों का दुरुपयोग करता है उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग फिशिंग आइडेंटिटी थेफ्ट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ठीक है थी। बताइए क्या होगा बहुत बार आपने पढ़ा होगा बहुत जनरल क्वेश्चन है ये पूछा जो गया है देखिए जब भी किसी की व्यक्ति के जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है स्टेटमेंट से रिलेटेड उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है तो उसको बोला जाता है फिशिंग ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है बैंक की फिक्स्ड जमा राशि को जाना जाता है टर्म डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट में या फिर करेंट डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट की बात की जा रही है तो याद रखिए क्या होगा देखिए बहुत ही सिंपल है यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट की बात की जा रही है ऑप्शन ए टर्म डिपॉजिट ठीक है नेक्स्ट है भारत में म्यूचुअल फंड्स के व्यवसाय को नियमन कौन करता है भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय सेवी स्कंद विपणियां देखिए म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है अगेन ये भी मैंने आपको कई बार करा चुका है म्यूचुअल uh, फंड जो होता है इसका नियमन जो करती है वो है हमारी सेबी ठीक है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेवी करती है इसका नियमन ऑप्शन सी राइट है नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक जिसको विश्व बैंक भी बोलते हैं कि स्थापना कब में बताइए स्थापना की बात की जा रही है याद रखिएगा देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य भी आप नोट कर लीजिए इसका उद्देश्य था जो भी सदस्य राष्ट्र होंगे उनको पुनर्निर्माण और उनके विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना था इसका उद्देश्य और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नोट कर लीजिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में ठीक है नेक्स्ट आइए वाणिज्यिक बैंकों का निम्नांकित में से कौन सा कार्य नहीं है ऋण हेतु सुरक्षा का आश्वासन क्रेडिट कार्ड्स का निर्गमन एवं प्रक्रिया विदेशी विनिमय में लेन देन मौद्रिक नीति का नियंत्रण बताइए देखिए मौद्रिक नीति पर नियंत्रण का जो कार्य होता है वो यहाँ पर किसका नहीं है वाणिज्यिक बैंक का नहीं है ये मौद्रिक नीति पे नियंत्रण का कार्य हमारा केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक का होता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है नरसिंहम समिति संबंधित थी किससे उच्च शिक्षा सुधार से कर संरचना सुधार से बैंकिंग संरचना सुधार से या फिर स्वास्थ्य सुविधा सुधार से बताइए देखिए नरसिंहम समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है और ये हमारे संबंधित है बैंकिंग संरचना के सुधार से तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी का निर्माण हो सकता है केवल एक व्यक्ति से दो या आ, से कम व्यक्तियों से नहीं कम से कम सात व्यक्तियों से या कम से कम पचास व्यक्तियों से यानी कि एक तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम पूछा गया है देखिए दो हजार तेरह की बात करें तो दो हजार तेरह के अनुसार ये कहा गया है कि जो कंपनी है उसका निर्माण सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है तो एक ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट है नेक्स्ट है यदि एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया हो तब केवल साझेदारी का विघटन हो सकता है साझेदारी संविदा का विघटन हो सकता है दिवालिया साझेदार स्वचालित रूप से व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं या साझेदारी फॉर्म का विघटन हो जाता है बहुत बार कराया है मैंने ये आपको क्वेश्चन और एज इट इज आपके एग्जाम में आया भी था इसलिए कह रही हूँ इस बार के सारे प्रैक्टिस सेट देखिए जाइएगा क्योंकि हमारे कराए हुए बहुत सारे एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आए थे क्योंकि कॉमर्स का सिलेबस वही होता है अगर आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा हमसे या फिर प्रैक्टिस सेट भी किए होंगे तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं डायरेक्ट वो क्वेश्चंस आते ही हैं तो आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी आपकी नॉलेज बढ़ेगी नॉलेज से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी साझेदारी फॉर्म का विघटन हो जाता है एक को छोड़कर अगर सभी दिवालिया है तो पूरी फॉर्म जो है वो विघटित हो जाएगी अब देखिए ये भी क्वेश्चन अगर आपने आ, जो मैंने कल कराई थी इंग्लिश की क्लास कॉमर्स की इंग्लिश की उसमें भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं तो वो देखिए तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ठीक है एक्स वाई जेड साझेदार हैं जो लाभ हानि का वितरण क्रमशः एक बटे पांच एक बटे तीन तथा तो सात बटे पंद्रह के अनुपात में करते हैं जेड अवकाश ग्रहण करता है तो उसके हिस्से को एक्स एवं वाई ने तीन बटे दो के अनुपात में लिया है आपको यहाँ पे नया अनुपात बताना है ग्यारह अनुपात दो बारह अनुपात दो तेरह बारह अनुपात चौदह दस अनुपात बारह बताइए पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए देखिए यहाँ पे पुराना अनुपात क्या है तीन पांच सात है ठीक है निकाल लेते हैं तीन पाँच सात कैसे आया पुराना अनुपात देखिए पहले पुराना अनुपात मैं आपको बता देती हूँ एक बटे पाँच है और ये एक बटे तीन है और एक बटे सात है यो सॉरी सात बटे पंद्रह है ठीक है सात बटे कितना है पंद्रह तो ये कितना हो गया पाँच वो पाँच तीन और पंद्रह का आप एल्सियम ले लीजिए ये आ गया पंद्रह और एक पाँच एक एक सात एक एक सात को निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा तीन पांच और सात ठीक है अब देखिए तीन पांच सात निकलकर आ गया आपका तो ये आपका पुराना अनुपात क्या हो गया तीन पांच सात अब पुराना अनुपात आप याद रखिए तीन पांच सात आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए अब लाभ का अनुपात देखिए लाभ का अनुपात क्या है ये हमारा यहाँ पर क्या है ठीक है नया अनुपात यहाँ पर हमें ज्ञात करना है तो लाभ का अनुपात क्या होगा जेड जा रहा है तो एक्स और वाई का तीन पांच सात आया था तो यहाँ पर हो गया सात बटे इंटू तीन बटे पंद्रह तीन इन, दो, इन दोनों से ही आपस में आप बांटेगा लाभ का अनुपात तो तीन सत्य कितना होता है इक्कीस और पांच का पंद्रह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा पिछहत्तर यानी कि इक्कीस बटे पिछहत्तर ठीक है अब यहाँ पर आपको नया अनुपात निकालना है तो पुराना अनुपात और लाभ का अनुपात आपको पता होना चाहिए तो अनुपात भी मैंने आपको बता दिया और लाभ का अनुपात भी बता दिया अब लाभ का अनुपात यहाँ पर कितना निकल कर इक्कीस बटे पिछहतर तो देखिए पुराना अनुपात आप पहले निकाल लीजिए एक्स का एक्स का, का पुराना अनुपात क्या था तीन बटे पंद्रह ये एक्स का है और लाभ का अनुपात क्या है इक्कीस बटे पिछहत्तर ठीक है अब इनको आप प्लस करेंगे आपस में तो ये कितना निकल कर आ जाएगा पिछहतर और पंद्रह का लेंगे तो नीचे पिछहत्तर ही आएगा ठीक है अब यहाँ पर पंद्रह और इक्कीस ले लीजिए तीन का पंद्रह और इक्कीस यहाँ पर आ गया प्लस में तो आपका पंद्रह और इक्कीस को प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा छत्तीस में अभी आपको आ, जल्दी जल्दी बता देती हूँ इसका आंसर क्योंकि ये सॉल्व करना है हमें पेपर और अगर आपको ये क्वेश्चन द्वारा समझना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे तो ये आ गया छत्तीस बटे पिछहत्तर अब छत्तीस बटे पिछहत्तर आ गया इसको भी आप नोट कर लीजिए अब मैं वाई का और बता देती हूँ वाई का वाई का कितना निकाला था हमने पुराना अनुपात पाँच बटे अब और यहाँ पर था चौदह बटे लाभ का अनुपात इनका ठीक है इसका लाभ का अनुपात नहीं निकाला था तो जिस तरह से एक्स का निकाला था उसी तरह से आप वाई का निकाल कर देख लीजिएगा मैं आपको बता देती हूँ जल्दी आंसर इसका पच्चीस प्लस चौदह होगा और यहाँ पर इसका एल लेंगे तो ये आ जाए पिछहतर पच्चीस और चौदह को प्लस करेंगे तो थर्टी नाइन अपॉन सेवेंटी फाइव हो जाएगा तो ये हो गया इनका क्या है नया अनुपात अब नया अनुपात इनका देखिए कितना निकल कर आया उसका निकला था छत्तीस पिछहत्तर और इसका निकला थर्टी नाइन तो छत्तीस और थर्टी नाइन पिछहत्तर कॉमन है वो हटा दीजिए तो छत्तीस और थर्टी नाइन छत्तीस को आप और थर्टी नाइन कोई ऐसी डिजिट देखिए जो कॉमन हो तो कॉमन डिजिट क्या है बारह इसकी है तेरह तो बारह अनुपात तेरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है सेम इसी तरह है आप आ, एक फर्म में तीन अनुपात दो के अनुपात में लामानी बांटते हैं साफ फर्म में एक बटे तीन के भाग से सायेदार बनाया जाता है लामानी बांटने का नया अनुपात क्या होगा तो इसी तरह से आप निकालिएगा नहीं तो हम इसको फिर से सॉल्व करवाएंगे नहीं तो मैं आपको नीचे क्वेश्चन में दे दूंगी चलिए करवा ही देते हैं आपको फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगी ठीक है यही जगह है यही मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ आ बा एक फॉर्म में तीन अनुपात दो के अनुपात में है तो देखिए सा का हिस्सा कितना हो गया? एक बटे तीन हो गया अब शेष हिस्सा कितना बचा वन में से माइनस करेंगे एक बटे तीन तो शेष बचा हमारा दो बटे तीन अब दो बटे तीन है आ का अनुपात पहले तो ये देख लीजिए ये कितना है तीन बटे पांच तो तीन बटे पांच में ये दो बटे तीन को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो कितना निकल कर आ जाएगा तीन दूनी कितना होता है और छीन पंजे कितना होता है पंद्रह छह बटे पंद्रह ये, ये दो, दो बटे पांच और ये दो बटे तीन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दो बटे तीन से दो दूनी कितना होता है चार तीन पंजे कितना होता है पंद्रह तो ये कितना निकल गया है बटे पंद्रह और ये निकल कर आया है चार बटे पंद्रह ठीक है तो अब यहाँ पर फिर से इसको लिख लीजिए छ बटे पंद्रह अनुपात चार बटे पंद्रह अनुपात और ये कितना है इसका आ, कितना निकल कर आया था बार लास्ट में एक बटे तीन ये इसका एक बटे तीन है इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए पंद्रह पंद्रह तीन का तो ये निकल कर आ जाएगा पंद्रह जो कि बेकार है अब यहाँ पर देखिए जो इनका कॉमन निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है सिक्स फोर और ये क्या हो जाएगा इसका पांच एकम पांच ठीक है तो सिक्स फोर फाइव हो जाएगा सिक्स फोर फाइव कितना है ऑप्शन सी ठीक है तो यहाँ पे सिक्स फोर फाइव इनका राइट right आंसर हो जाएगा होप यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है नेक्स्ट देखिए एक्स कंपनी लिमिटेड ने अठाइस लाख अस्सी हजार की संपत्ति खरीदी कंपनी ने क्रय प्रतिफल का भुगतान प्रत्येक सौ वाले ऋण पत्रों को चार बट्टे पर निर्गमित करके किया कंपनी ने संपत्ति विक्रेता को जो ऋण निर्गमित किए हुए हैं कितने के तीस हजार के अट्ठाईस आठ सौ के बत्तीस हजार के या बत्तीस आठ सौ के बताइए देखिए निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है तो बहुत ही आसान है इजली कर सकते हैं जल्दी बताइए करें देखिए यहाँ पे सौ रुपये का प्राइस दे रखा है ठीक है सौ है इसका प्राइस चार परसेंट क्या है बट्टा तो बट्टे को आप माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा यानी कि इसका निर्गमित मूल्य नाइन्टी सिक्स में किया होगा क्योंकि चार परसेंट तो बट्टे में चला गया चार रुपये तो देखिए अट्ठाईस लाख अस्सी हजार को नाइन्टी सिक्स से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा तीस हजार ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है ओके क्लियर है ना बहुत ही सिंपल था ये नेक्स्ट देखिए एक मशीन चार हजार में क्रय की गई है मशीन का अनुमानित जीवन काल तीन वर्ष है जीवनावधि के अंत में बत्तीस रुपये अवशिष्ट मूल्य प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया मूल्य ह्रास दर की गणना ह्रासमान शेष पद्धति के अनुसार कीजिए सात परसेंट प्रतिवर्ष अस्सी परसेंट प्रतिवर्ष पिचहत्तर परसेंट प्रतिवर्ष या फिर साठ परसेंट प्रतिवर्ष बताइए ह्रास निकालना है बहुत ही सिंपल है देखिए यहाँ पे ह्रास की दर वन माइनस संपत्ति उपयोगी जीवन काल निकाल लीजिए इसका तो हम कैसे निकालेंगे अपशिष्ट मूल्य मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में अपशिष्ट मूल्य डिवाइडेड बाय मशीन लागत का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लिखेंगे वन माइनस संपत्ति का जीवन काल ये होगा इसका फॉर्मूला तो देखिए वन माइनस संपत्ति का जीवन काल कितना है यहाँ पर तीन है ये यह आपने यहाँ पर तीन लिख दिया अब यहाँ पर अंडर रूट में आप क्या लिखेंगे कितना है अपसिस्ट मूल्य बत्तीस और नीचे क्या लिखना था मशीन का मूल्य मशीन का मूल्य यहाँ पर कितना आ गया मशीन की लागत चार हजार रुपए ठीक है मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड अब आप इसको जरा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ठीक है तो ऑप्शन बी हाँ पे आपका 80 राइट आंसर आ जाएगा खुद से सॉल्व करिएगा नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगी ठीक है नेक्स्ट है सुनिधि के तलपट में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल हैं प्राप्त छूट 1200 लेनदारों पर छूट के लिए संचय 1800 व लेनदारों पर छूट के लिए सोलह का प्रावधान कीजिए लावानी खाते में राशि क्रेडिट होगी कितनी बताइए जल्दी से लावानी खाता बनाइए फिर बताते हैं देखिए यहाँ पे बट्टे की बात की जा रही है तो बट्टा आयोजन खाता बनाते हैं ठीक है आप इस तरह से कॉलम बना लीजिए ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर ये हो जाएगा अमाउंट ये हो जाएगा पर्टिकुलर और ये हो जाएगा आपका अमाउंट प्रारंभिक शेष कितना है इसका कहाँ पर दे रखा है प्राप्त छूट बारह सो ठीक है तो पहले बट्टा खाता लिख लेते हैं प्राप्त छूट बट्टे खाते की बारह सौ ठीक है अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है लेनदारों पर छूट के लिए संचय अब छूट के लिए संचय है यानी कि इनका पहले से यहाँ पे प्रारंभिक शेष बचा हुआ है अठारह फिर लेनदारों पर छूट के लिए सोलह सौ रुपए का प्रावधान है तो सोलह सौ रुपये का प्रावधान है तो अब ये प्रावधान अभी का बना हुआ है तो अंतिम शेष इनका कितना है सोलह सौ तो यहाँ पर सोलह सौ और बारह सौ इनको आप प्लस करेंगे तो ये अट्ठाईस सौ आ गया और अट्ठाईस सौ में से इस अट्ठारह सौ को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा जो शेष होगा वो आप यहाँ लिखेंगे और ये शेष कहाँ पर ट्रांसफर होगा जब ये हमारा बट्टा खाता बनाया गया तो बट्टे खाते का शेष इधर वाला कहाँ ट्रांसफर होगा लावानी खाते में तो ये हमारा हो गया पे एंडल अकाउंट पे एंडल अकाउंट में एक हज़ार रुपये गए तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा एक हज़ार राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है दोबारा से वीडियो को देखिएगा कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए टेलीग्राम ग्रुप पे स्क्रीनशॉट दीजिए क्योंकि अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ समझाऊंगी तो आपके और प्रैक्टिस सेट तो रह जाएंगे आप मुझे पर्सनली वहाँ पूछ सकते हैं हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे ठीक है स्क्रीन दे दीजिए हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स से शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय